हेलो हेलो स्क्वायर फिट गार्डनिंग द्वारा आयोजित इस फिफ्थ वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो इस प्रकार है कि कौन कौन से वेजिटेबल्स हम इस विंटर में यानी रबी सीजन भी कहा जाता है जिसको उसमें लगाएंगे और उनमें कौन कौन से बीमारी और कीड़े लगते हैं उनकी जानकारी देंगे और एक जनरल आउटलुक दूंगा कि हम इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट और पेस्ट में अंतर यह होता है कि जो इंसेक्ट हार्मुल हार्मफुल होते हैं उनको अपन पेस्ट कहते हैं तो हम जनरल भाषा में जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनको पेस्ट के तरह बोला जाता है और जाना जाता है तो एक जनरल व्यू मैं आपको दूंगा कि कौन कौन से पेस्ट होते हैं जिनको अपन पहचान सकते हैं और जब पहचानेंगे तभी हम उनका इलाज कर पाएंगे और पौधों को बचा पाएंगे तो मैं आज बताऊंगा आपको कि कितनी तरह के पेस्ट होते हैं और क्या क्या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं क्या क्या बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं इसके अलावा मैं कुछ सॉयल अमेंडमेंट्स भी आपके बाद देखे जो अक्सर अपन देखा करते हैं बहुत सारे जो YouTube's में बहुत सारे हैक्स आते हैं उनपे कभी कभी भरोसा होता है होता ही नहीं है कि जो आदमी डाल रहा है, वो क्या इस लायक है कि हम उसकी बात को माने तो मैंने जितने भी थे उन सबको मैंने खुद अपना साइंटिफिक बैकग्राउंड उसको उनका साइंटिफिक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी है जैसे बेकिंग सोडा हुआ एलम हुआ वाइट विनेगर हुआ वुड एश हुआ एस्प्रिन भी कहा जाता है छाछ यानी बटर मिल्क हनी, शहद के लिए और ये ग्लिसरीन एग शेल, बोन मिल, सिनामोन मतलब दालचीनी और जिप्सम और प्रोम ये चीजों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देखूंगा क्योंकि इसके पीछे जो मैंने साइंटिफिक बैकग्राउंड देखा है कि ये वास्तव में सही है या नहीं है आशा है आप इस वेबिनार से कुछ लाभान्वित होंगे इसके अलावा मैं जो वेजिटेबल्स ले रहा हूँ आपको कहा है वो है जैसे कैबेज है कॉलीफ्लावर है भिंडी है चिली टमाटर इस तरह से मैं उन सब वेजिटेबल्स को आपको बताऊंगा कि उनमें क्या क्या अपन को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस क्या स्पेशल पॉइंट्स होने चाहिए हमारे जिनका हम उसपे ध्यान रखें तो ये हमारा जो वेजिटेबल्स होते हैं इसमें से काफी वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर मैंने उसमें से कुछ मेजर लिए है जिससे आप उन, और मैंने इन सबको टेक्सनो में मतलब उनकी कौन कौन से परिवार के हैं वो इसमें वो किस तरह से आते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि मैं फैमिली वाइज इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली में जो बीमारी और कीड़े आते हैं वो सब लगभग उन सारे फैमिली के मेंबर्स में पाए जाते हैं जैसे कि कोल क्रॉप्स मतलब फूल गोभी जो फैमिली है जिसमें आता है कैबेज कॉलीफ्लावर नोलखोल चाइनीज कैबेज ब्रोकली ये आते हैं इसमें फिर आती है नंबर दो पे मालवेसियस क्रॉप मतलब मालवेसी फैमिली के जिसमें भिंडी आती है भिंडी वैसे साल भर लगाई जाती है अभी विंटर्स में भी लगा सकते हैं अपन इस फिर आती है हमारी सबसे बड़ा ग्रुप जो इस विंटर्स में होता है वो सोलन फैमिली से होता है उसमें चिल्ली टोमेटो पोटेटो स्वीट पेपर मतलब कैप्सिकम और ब्रिंजल आदि चौथा चौथा हमारा ग्रुप है लेग्यूम्स का जिसमें पी आती है मटर और रूट क्रॉप्स में रेडिश कैरेट बीट रूट टर्नीप ओनियन और पोटोटो आदि आते हैं अच्छा लीफ वेजिटेबल्स का अपना अलग महत्व है जिसके बिना अपना भोजन भी है अधूरा है और इसके अलावा न्यूट्रिशन जो देते हैं वो सबसे ज्यादा लिफी वेजिटेबल्स से मिलता है तो लिफी वेजिटेबल्स में होते हैंडर पार्सले लेट्यूस स्केल ये जिस पार्सले आगे वगैरह जो हैं, ये सेलेड आइटम्स से, हैं, जिनमें बहुत मतलब जिनको प्राय यूज करना बहुत फायदेमंद होता है न्यूट्रिशन के लिए तो सबसे पहले मैं अब आप आपको जानकारियां दूंगा पेस्टिसाइड्स की ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं? जो ऑर्गेनिक मतलब सोर्स से जो बनाए जाते वो हैं वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कहते हैं जैसे नीम लीफ एक्सट्रैक्ट इसको एन बनाने के लिए बहुत आसान और सबसे सस्ता और इजी वो है नीम लीफ एक्सट्रैक्ट उसमें क्या करेंगे कि हम नीम के पेड़ से पत्तियां तोड़ के लाएंगे और चॉप करेंगे तो ठीक है नहीं चॉप करे तो भी चलेगा और उसको पानी में घोल देंगे लगभग एक किलो पत्तिया को हम पांच लीटर पानी के बाल्टी में भिगो के रख देंगे तीन दिन के लिए कम से कम इसके बाद भी अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको अपन ढक के ढक्कन लगा, लगा के रखेंगे फिर उसके बाद अपन उसको रिमूव कर देंगे वो पत्तियों को छान लेंगे और सात सात दिन के इंटरवल पे ये सबसे सस्ता और आसान उपाय है जो हमारे घर के आसपास मिल जाता है इसलिए नीम लीफ एक्सट्रैक्ट क्योंकि जैसे काउ यूरिन वगैरह के लिए हमें गौशाला जाना पड़ेगा बहुत सारे करने पड़ेंगे घर से और आज जो लॉकडाउन का जो पीरियड है हम ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी बिना बात या किसी भी जरूरी काम के अलावा हम कहीं घर से बाहर जाए तो ये नीम लीव जो, का जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत सुविधापूर्ण है तो इसको हमेशा हमें यूज करना चाहिए इसको अगर हमें और कंसेंट्रेट बनाना है तो इसमें अपन 50 ग्राम लहसुन मतलब गार्लिक उसको भी कूट के डाल सकते हैं और काउ यूरिन भी मिला सकते हैं इससे यह और स्ट्रोंग बन जाएगा फिर आता है दो नंबर पे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट मतलब नीम की निबोली और निबोली जब पीली हो जाती है या सूख जाती है सूखने वाली ज्यादा ठीक क्योंकि आपने देखा होगा हम क्योंकि पीली जो निबोली होती है ना वो मीठी भी होती है और उसमें वो कड़वापन नहीं होता जो जरूरी होता है तो इसलिए पक्की हुई या सूखी हुई निबोली को हम काम में लेंगे तो करीब 40-50 ग्राम नीम की निबोली जब ये सूख जाएगी तो उसका ऊपर का गुदा हट जाएगा तो खाली नीम की निबोली रह जाएगी उसको हम 40-50 उसको हम पहले कूट लेंगे क्रश कर लेंगे और उसके बाद एक लीटर पानी में घोल लेंगे और ये प्रोपोर्शन अगर आप जैसे 10 लीटर के पानी में घोल रहे हैं तो उसी हिसाब से आप नीम करनल का भी लेंगे और उसको तीन दिन तक हम उसी प्रकार भिगो देंगे पर फर्क नीम लीफ में और इसमें ये होता है कि नीम में के बीज में कुछ ऑयल होता है जैसे नीम ऑयल कहते हैं तो उसको अवेलेबल कराने के लिए नीम ऑयल में करने के लिए क्योंकि इमल्शन नहीं बनता वो पानी से अलग नहीं होता जब अपन स्प्रे करते हैं तो इसके लिए कुछ कोई ऑर्गेनिक सोप या ऑर्गेनिक शैम्पू जैसे ऑर्गेनिक शैम्पू अगर बोले तो रीठा वगैरह जो होता है जिससे पुराने जमाने में बाल धोए जाते थे वो भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता या खादी सोप मतलब ऑर्गेनिक सोप तो वो हम यूज कर थोड़ा सा डालना होगा उससे वो स्प्रेड होगा ये स्प्रेडर्स कहलाते हैं अगर ऑयल मिलाते हैं ऑयल में अगर साबुन मिलाते हैं तो स्प्रेड पत्तों को अच्छी तरह से ढकते हैं कवर करते हैं और रुक जाते हैं नहीं तो ये पानी, पानी नीम नीम तो हालांकि जो मैं आपको दिखाऊंगा जो नीम ऑयल है उसको पांच एम नीम ऑयल लेंगे और उसमें दो एम एल लिक्विड सॉप लिक्विड सॉप में जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी ये ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं ये अपने सिंपल जो एक एक दो दो रुपए के पाउच आते हैं शैम्पू के वो भी अपन काम में ले सकते हैं उसमें कोई ऐसे नुकसान वाली चीज नहीं होती कि पत्तों को नुकसान बनाए हालांकि अगर ऑर्गेनिक पे जाना है तो हमें रीठा शैम्पू ही यूज करना होगा उसको एक लीटर पानी में मिलाएंगे अच्छी तरह से और छिड़काव करेंगे फिर जो है काउ यूरिन काउ यूरिन के पीछे कई सारे लॉजिक है कि काउ यूरिन पुराना होना चाहिए नया होना चाहिए इतने महीने पुराना होना चाहिए इन सब के पीछे हम ये कहेंगे कि हम फ्रेश कायोरिन लें और अगर पुराना ले रहे हैं तो वो कायोरिन ले जो आपने खुद फ्रेश लिया हो और उसको सील करके डब्बे में रखा हो बोतल में टाइट करके रखा हो ये वरना उसकी जितनी अमोनिया होती है वो निकल जाती है इसलिए फ्रेश कोयोरिन अगर काम में लेते हैं तो अच्छा है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अमोनिया होती है और रखा हुआ में काम में जब लेंगे जब उसमें अगर हमने कुछ नीम की पत्तियां वगैरह मिला दी कुछ ऐसे एडिटिव्स मिला दिए जिससे वो और करना हो अदरवाइज हम फ्रेश यूरिन लेंगे रखा हुआ में अगर वो खुले में रखा हुआ है तो उस वो उड़ जाएगा उसका जो अमोनिया पार्ट है जो नाइट्रोजन देता है सबसे अच्छी बात काव यूरिन के साथ ये है कि वो पेस्टिसाइड फाइड भी है और ग्रोथ एनहांसर भी है न्यूट्रिएंट भी है नाइट्रोजन भी इसमें इसमें होती है क्योंकि अमोनिया होता है मीन नाइट्रोजन होती है मतलब इस ये सबसे मल्टीपर्पज हो गई मल्टी हो गई तो से हम पेस्टिसाइड भी का भी यूज कर रहे हैं एज ए फाइड भी यूज कर रहे हैं और एक ग्रोथ एनहांसर के रूप में भी यूज कर रहे हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजार में बहुत सारे रेडीमेड प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, जिनको भी हम यूज कर सकते हैं तो ये जो नीम जो है वो करीब 200 से ज्यादा इंसेक्ट से को बचा से अपन को बचाता है अपनी फसल को बचाता है जिसमें जो है विशेष तौर पे एफिड्स लीफ माइनर लूपर्स मिली बग्स थ्रेप्स वाइट फ्लाई कुकुम्बर बीटल कैटरपिलर्स ये और भी बहुत सारे जितने भी तरह के होते हैं क्योंकि नीम का जो इफेक्ट है वो रिप्लेंट का है नीम मारता नहीं है इको फ्रेंडली है तो वो रिपेल करता है रिपेल करता है मतलब अगर, अगर अपन उस नीम को अपनी सब्जियों पे छिड़कते हैं तो कीड़ा उसपे नहीं बैठेगा और बैठेगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसलिए जरूरी है कि जब अपन नीम का ही स्प्रे कर रहे हैं तो हम शुरू से करेंगे और कम से कम पांच से सात दिन का इंटरवल पे आप करते रहेंगे तो आपको ना वायरस आएगा ना कोई कीड़ा बैठेगा ना कोई उसमें तने में छेद करेगा पर जरूरत किस क्या है आपका स्प्रे और ड्यूरेशन वो इम्पोर्टेंट है तो डिफरेंट फॉर्मल्यूशन जैसे ये डिपेंड करती है क्रॉप के स्टेजेस की भी और कितना पत्ता कितना बड़े हैं कितना ज्यादा फॉलियज है कितने ओल्डर लीव्स है उसके हिसाब से कंसुट्रेशन बढ़ाई जाती है तो ये तीन सौ तो पीपीएम से पाँच हजार पचास हजार पीपीएम तक और पांच परसेंट तक ये मार्केट में अवेलेबल है मार्केट में जो अवेलेबल होता है उसमें ये सो ऑलरेडी मिला हुआ होता है जिससे कि और उसको सच यूज करना होता है फिर एक पायरेथरीन होता है पैरेथिन जो अगर दो तरीके से मिल सकता है ऑर्गेनिकली पायरेथीन क्राइसेंथिमम जो फूल होते हैं उनको पानी में भिगो के रखा जाता है दो तीन दिन तक और उनको क्रैश करा जाता है तो वो एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनता है वो बहुत अच्छा होता है खासतौर से एफिड और जेसिड्स के लिए तो पायरेथरीन एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है कि दोनों केमिकल फॉर्म में भी मिलता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिलता है और ये बहुत मतलब ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स आपके यहाँ होते हैं घर में फ्यूम जिनको अपन रखते हैं वो सब भी पायरेथिन से बने हुए होते हैं फिर एक और कैटेगरी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के बाद आती है बायो बायोपेस्टिस बायो मतलब फंजाई बेनिफिशियल फंजाई जिस तरह से कुछ कीड़े हम भी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं फ्रेंडली भी होते हैं उसी तरह फंजाई भी ऐसी होती है जो बेनिफिशियल होती है और हमें हमारे इंसेक्ट को वो इंसेक्ट को बीमारी पैदा करती है और वो इंसेक्ट मरता है पेस्ट मरता है है ना इसमें से जो है मतलब वो पैरासाइट बन जाती है उनके बॉडी के ऊपर वो बीमारी फैला देती है तो जैसे ये बोवेरिया बेसियाना ये सब नहीं है और इनको यूज करना चाहिए अवश्य तुम तो इसको हर जगह नहीं मिलती जब जब ये ऑनलाइन तो मिल ही जाती है क्योंकि आजकल अभी ऑनलाइन ही अपन खरीद सकते हैं बाजार में नहीं जा रहे हैं तो ये बेवेरिया बेसिनिया के नाम से ही मिलती है और ये एक इसके कीड़ों के ऊपर एक बीमारी उनको व्हाइट व्हाइट ऊपर जैसे फंगस आ गई हो ऐसी हो जाती है सफेद उसको व्हाइट डिजीज कहते हैं किसकी कीड़ों की पेड़ की नहीं है पौधों की नहीं है ये कीड़ों के ऊपर ये बीमारी करते हैं और ये धीरे धीरे ये फंजाई उस कीड़ों को खा जाती है और पॉपुलेशन कम हो जाती है धीरे धीरे इसी तरह से माइक्रोजाल वो भी इसी तरह से बेनिफिशियल फंगस है एक ये ये बवेरिया बेसिया ने मैं आपको ने बताया ये वो उसका जो मार्केट में फॉर्मुलेशन अवेलेबल होता है कई तरह के होते हैं पर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा रूँ ये बेसिकोन नाम से भी मिलता है फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने स्टेम बोरर की फ्रूट बोरर की और लीफ माइनर की जो एक बार सब्जी के तने में फल में फूल में अगर ये घुस जाता है पत्ते में तो फिर क्योंकि आप स्प्रे जो कर रहे हो अपना सिस्टमेटिक नहीं है अपना सरफेस स्प्रे है नीम का है चाहे काउयरिन का है चाहे किसी का है कोई भी बॉडी इसके प्लांट में अब्जो नहीं होता जबकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बॉडी में उस प्लांट की सेल सेप में चले जाते हैं और प्लांट खुद एक इंसेक्टिसाइड बन जाता है और इन कीड़ों को मारता है हालांकि कीड़े मरते हैं और अपने को पर अपने को ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उन पेस्टिसाइड्स का रेजिडल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी जल्दी तोड़ी जाती है इसलिए इनका यूज अपन नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो इन ये बोरर्स है उसको एक बीटी डस्ट होती है जो बैक्टीरियल होती है बीटी डस्ट कहा जाता है उनका भी डस्टिंग किया जाता है वो बायोपेस्ट ऐसे होते हैं ये तो इसमें उत्कर्ष वगैरह में ऐसे मिलती हैं इन फॉर्मलेशन में और जब जैसा कि मैंने आपको बेवेरिया बेसिने बताया वो लीफ माइनर लीफ माइनर अक्सर अर्ली स्टेज के ऊपर आती है कई बार मतलब लिव उसमें नर्सरी में भी आ जाती है तो इससे बचने का जो लीफ माइनर से बचने का बहुत आसान है क्योंकि ये जो बेवेरिया वेसियना है ना इनका फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है पत्तों पर जबकि नीम का या यूरिन का अगर स्ट्रॉन्ग आपने स्प्रे कर दिया यंग सिडलिंग्स पे जिनके दो दो तीन तीन, तीन पत्ते ही आए हुए हैं तो वो पत्ते खत्म हो जाते हैं पौधा भी खत्म हो सकता है पर ये बहुत सेफ पेस्टिसाइड है व्हाट इज ले इस तरह से ये बायो पेस्टिसाइड्स है और सेफ है अब हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से पेस्टिसाइड किस किस तरह के पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक और, और बायोपेस्टिस हैं पर इन सब से ज्यादा जरूरी है हम अपने दुश्मन को पहचानना हमारा दुश्मन कौन है उसको पहचानना और उसकी क्या प्रवृत्ति है क्या उसकी नेचर है उसी से हम उसको कंट्रोल करते हैं जैसे कुछ कैटेगरीज है जैसे सकिंग पेस्ट सकिंग पेस्ट मतलब चूसने वाले कीड़े वो होते हैं एफिट्स जेसिड्स मिलीबर्ग वाइट फ्लाई और माइट्स और ये जो सकिंग पेस्ट हैं ये अक्सर कैरियर भी होते हैं वायरस के क्योंकि ये एक पत्तों से दूसरे पत्तों पे जाएंगे या फिर जो इंफेक्टेड प्लांट है उससे दूसरों पे जाएंगे तो ये वैक्टर्स इनको वैक्टर्स भी कहा जाता है वैक्टर्स वो होते हैं जो बीमारी को अपने साथ लेके चलते हैं एक पत्ते से दूसरे पत्ते को पहुंचाते हैं दूसरे पौधे को पहुंचाते हैं तो ये सकिंग पेस्ट है उसके बाद बोरर्स जैसा कि मैंने आपको बताया है फ्रूट में मतलब आपके लौकी तोरई कद्दू इन सब में जब फूल बनता है है से पहले ही मैंने देखा है कि जो फीमेल फ्लावर ओपन हुआ हमने देखा तो उससे पहले से उसमें लार्वा बैठे हुए और वो लेइंग कर देते हैं अंदर और आपका जो फ्रूट होता है वो शुरू में खत्म जाता है जो अक्सर एक होती है कि हमारा तो जो फूल गिर गए या वो फर्टिलाइज तो हुए थोड़े से बड़े उसके बाद वो गिर गए तो इसके सबसे पीछे पीछे कारण फ्रूट बोरर्स का आता है वो आजकल बहुत हो रही है बहुत होती है इसी तरह से शूट बोरर जैसे कि अपन ब्रिंजल में देखते हैं कि अंदर वो टनल बना के रह जाता है और धीरे धीरे ऊपर पत्तों को सुखा देता है ये सब मैं आगे कवर कर रहा हूँ लीफ माइनर के बारे में आपको बता दिया इसके अलावा टर्माइट्स है और निमेटोट्स है फिर जो डिजीजेज है वो मोस्टली ब्लाइट्स हैं जिनको ब्लाइट का मतलब जलना पत्तियां ऐसी हो जाती है जैसे स्पॉट्स जल गए हो ब्राउन हो गए हो डार्क हो गए हो और डाउन मिलियो कहलाती है और वायरस डिजीज होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पेस्ट की और डिजीजेस की देखिए अब मैंने जैसे आपको कहा था कि जो पहली कैटेगरी है वो सकिंग पेस्ट की है उसमें जेसिड्स और एफिड ये दो चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं एफिड जो होते हैं उसमें पंख नहीं होते विंगलेस होते हैं और ये पत्तों के नीचे रहते हैं अक्सर तो अपन जो ऊपर से स्प्रे करते हैं और ये आराम से छुपे हुए नीचे बैठे रहते हैं क्योंकि अपना स्प्रे जो सिस्टेमेटिक नहीं है तो जरूरी होगा कि अपन स्प्रे जब करें तो पत्तों के नीचे भी उस नोजल को रखें और ये जो जेसिड्स है ये विंग्ड होते हैं मतलब उड़ते हैं और ये एफिड्स होते हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं फिर आता है वाइट फ्लाई व्हाइट फ्लाई अगर अपन पौधे को थोड़ा सा हिलाते हैं और छोटे छोटे से बुनगे जैसे जो सफेद सफेद सी मख्या है पर ये बहुत नुकसान ये और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है पत्तों को एकदम पीला करके खत्म कर देती है फिर हो, फिर है माइट्स माइट्स और स्पाइडर्स मतलब ये बाकी सब चीजें तो आर्थोपॉर्ड्स में आती है मतलब इनके ये छह पैर वाले है ना पर ये जो आ, ये जो आर्थो ये होते हैं माइट्स ये ऑक्टोपोड होते हैं मतलब आठ पैर वाली होती है और ये किसी भी उन दवाइयों से नहीं मरती जिससे मतलब ये एफेड जैसे वगैरह मरते हैं इनके लिए स्पेशल अलग से दवाई चाहिए जो की केमिकल पेस्टिसाइड्स में उनको एक कहला, कहलाते हैं क्योंकि ये इनकी फैमिली भी एक, कहलाती है तो स्पाइडर और माइट स्पाइडर हमारे घरों में होती है और माइट्स वो होती है जो प्लांट के में होती है फिर एक और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो ऑर्नामेंटल और इतना आता है कि उसके ऊपर दस तरह के इलाज अपन करते हैं तो वो है मिले बग। अब जो आसान तरीके और हम अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंट्रोल की तो ऑर्गेनिक कंट्रोल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एफिड और जेसिड्स ये इतने ज्यादा होते हैं और एक बार आ जाते हैं तो अपन इनको रोक सकते हैं पर इनको भगा नहीं पाते या बहुत कम भगा पाते स्प्रे इस इस से तो इनको कंट्रोल करने के लिए या तो अपन पौधे तो थोड़े बड़े हों तो उनके ऊपर पानी की तेज धार डाले स्टेड लगातार जिससे उनको धो दें और पौधों के या क्यारियों के पास में इस तरह से येलो स्टिकी टेप मिलते हैं बाजार में अगर अगर आप बाजार से नहीं ला पा रहे हैं तो बहुत आसान है कोई भी येलो ऑब्जेक्ट लें प्लास्टिक की शीट हो डब्बा हो कोई बोतल हो या पीला उसके ऊपर पेस्ट कर दे, पेंट कर पेंट और उसके उसके ऊपर ऊपर सफेद वाला जो ग्रीस या उसके लगा के और थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने किचन गार्डन में उसको रख दे तो इससे क्या होगा कि ये सब है ना इसके ऊपर चिपक जाएंगे इससे एक दो फायदे ही होंगे एक तो कीड़े मरेंगे दूसरे अपन को ये पता चलेगा कि कितने पॉपुलेशन में हमारे पास ये एफिट या हैं ये इस तरह से बाजार में ये मैंने मैं ये एडवरटाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ बस आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से अवेलेबल होते हैं किस फॉर्म में इसी तरह से ये ब्लू वाला होता है ये जेसेट्स के लिए कब माना जाता है कि जो ब्लू कलर है जिस तरह से व्हाइट एफ के लिए माना जाता है आप, आपको ध्यान होगा कि जब ये आते हैं जेसेट्स आते हैं तो अपन जो ज्यादातर अपने कपड़ों में जो चिपकते हैं और खास तौर से वो येलो कपड़े अगर कोई पहने हुए होते हैं उस पर ज्यादा चिपकते हैं तो वही थ्योरी के साथ हम इसको लगाते हैं तो ये जो ब्लू कलर है वो जैसेट के लिए है और येलो कलर एफिड्स के लिए है और वाइट फ्लाई दोनों पे आती है अब ये कुछ आसान मेथड भी है पुराने जमाने में अभी तो ये लाइट ट्रेप है सोलर लाइट है ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और नीचे लाइट का है और इसके अंदर एक फनल होती है ऑयल होता है तो इंसेक्ट जो आता है वो इसमें गिरता है लाइट के ऊपर और नीचे ट्रैप हो जाता है पुराने जमाने में जब लालटेन हुआ करती थी जब खेतों के ऊपर या वो लाइट के कनेक्शन नहीं होते तो एक बड़ा आसान से मेथड रहा करता था कि एक बरात या तकारी लेते थे उसमें पानी भर देते थे, थे और उसमें तेल डाल दे के अंदर लालटेन रख देते थे उस लालटेन के ऊपर जो कीड़े आते थे क्योंकि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल रात को होते हैं अपन कई देखते हैं अपने किचन गार्डन में दिख ही अभी तो वो कुछ कीड़े है करते है मतलब रात को ही विचरण करते हैं तो उन कीड़ों के लिए ये, ये जो लाइट ट्रैप है ये बहुत अच्छा रहता है और उसको आसान बनाने के लिए एलईडी बल्ब भी लगाया जाता है जो थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है क्योंकि ओवरनाइट नाइट ला आपको लाइट जलानी है पर अगर सोलर लाइट वाला होगा तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी और पर बाद में इसका कोई नो कॉस्ट पे चलेगा इसी तरह से बड़े बड़े कैरियो में भी खेतों में भी इस तरह से सोलर पैर के साथ इनको लगाया जाता है अब कंट्रोल करें अपन मिली बग को सबसे मतलब हर आदमी पीड़ित है मिली बक्स से उसके चाइना रोज में भी आ गया उसके मुसंडा में भी आ गया उसके बैगन में भी आ गया और सब जगह इवन मनी प्लांट को भी नहीं छोड़ता है मिली बग तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर बहुत सारा मिली बग आ गया है तो हम उन तनों को काट के और बिल्कुल एक पानी की बाल्टी रखेंगे साथ में इसमें कुछ डाल देंगे फिनाइल या कुछ इस तरह की कोई चीज और वो डंडियों को सीधे उठा के काट के उस बाल्टी में डाल देंगे जो बहुत ज्यादा हो गई है अगर कम है तो हम उसको पानी की धार से उनको बहाएंगे फिर तीसरा तरीका है कि हम साबुन का कोई घोल वीक सोप का सोल्यूशन करेंगे पर साबुन वगैरह के जो घोल है ना ये शाम के टाइम करने चाहिए वैसे भी स्प्रे जो करना चाहिए वो अपन को आइदर इन द मॉर्निंग और द इवनिंग क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है वो आपका स्प्रे को बहुत जल्दी उड़ा देती है फिर एक एक होता है आइसो प्रोफाइल आजकल हर घर में हर एक के पास हमेशा आइसो प्रोफाइल एलकोल रहता है सैनिटाइजर आपका कोविड के लिए सैनिटाइजर बाहर जा रहे हैं तो भी गाड़ी में भी है घर में भी है आपकी जेब में भी है तो इसका स्वैब इसमें अगर कोई रुई का फायर लगा के इसको भिगो के इसके तने को साफ करा जाए तो ये हट जाता है या तो स्प्रे भी कर रहे हैं इसको इसके लिए डायरेक्ट और ये उड़ जाता है जल्दी से तो इसका नुकसान पौधों को नहीं होता है फिर इसके बाद इनकी जो एक हैबिट है मिलीबक की वो जमीन में से जमीन में से ऊपर तनों पे चढ़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ इनका जो ओरिजन है वो जमीन है तो अगर एप्सम साल्ट मतलब सेंधा नमक जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सेंधा नमक सेंधा नमक मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो इससे है ना आपके एल्कलिनिटी नहीं बढ़ती है खरापन जमीन में नहीं आता है तो जहां पे अपना रूट सरफेस है प्लांट का उसपे अपन सेंधा नमक लगा सकते हैं बिखेर सकते हैं उससे आपके वो जो स्लजेस आ जाते हैं स्नेल्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे और मिली बग क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ता है जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब आपके कंट्रोल होंगे क्योंकि ऊपर नहीं जाएंगे फिर नीचे जो वुडी स्टेम जो होता है जैसे चाइना रोज हुआ या ब्रिंजल वगैरह का भी बहुत हार्ड वो होता है स्टेम उसके ऊपर अपन ग्रीस या वेसलिन लगा सकते हैं उससे वो चिकने हो जाते हैं एक सिंपल सा मेथड अपन ने बना दिया कि अपन को जमीन से ऊपर चढ़ने से रोकना है उसको स्लिपरी बना दिया हमने से या वहीं चिपक जाते हैं तो ग्रीस भी लगा सकते हैं एक और आसान तरीका जो अच्छे, मोटे स्टेम वाले ऑर्नामेंटल है चाइना रोजेस मुसंदा है पपाया है इन सब पे इनके तने के ऊपर अपन प्लास्टिक रिबन कोई भी कलर हो इेस्पेक्टिव हो एक रिबन एक इंच की अपने प्लास्टिक की थैलियों में से करके यह प्लास्टिक की थैलिया चारों तरफ पट्टी बनानी पड़ेगी अगर आप धागे वगैरह से करेंगे तब तो ये कीड़े चढ़ जाएंगे पर आपको एक रिबन जैसी बनानी पड़ेगी या टेप उसके चारों तरफ अपन चारों तरफ टेप लगा देंगे कम से कम जमीन से एक फिट ऊपर तक तो ये मिली बग नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेगा कुछ लोगों का ये भ्रांति है मिथ है कि शुगर का स्प्रे कर दें तो ची जीट जो चीटे हैं वो इसको खा जाएंगे जबकि हो उल्टा रहा है कि जो चीटे हैं जो वो, हैं, वो जो आ रहे हैं वो इसकी में छोटी भी और बड़ी भी तो सबसे पहला अपन को जो इंडिकेशन किसी पे, पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर चीटियां चढ़ने का होता है वो सबसे पहला इंडिकेशन दे दे देता है आपको वार्निंग दे देता है कि इसमें थोड़ी बहुत भी मिलीबग का इंफेक्शन शुरू हो गया है तो हमें शुगर का स्प्रे नहीं करना है क्योंकि शुगर अपन वो जो वो आपका शुगर खाने चीटियां नहीं आ रही है वो मिलीबग के एक्सक्रेटरा के लिए आ रही है, वो उनकी चॉइस है तो तो इसलिए आप ये जो मिथ है कि शुगर का स्प्रे करें चीटियों का जो चीटियां है ना मिलीबग को नुकसान नहीं पहुंचा रही इस बात का ध्यान रखें फिर थ्रिप्स आपने देखा होगा इस तरह का ब्रिंजल ऐसे ऐसे डिसकलरेशन ऑफ द स्क्रीन मतलब क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है आप बाजार से नहीं खरीदेंगे घर में तो फिर भी खा लेंगे पर बाजार से कभी भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि अंदर नुकसान नहीं होता केवल स्किन खराब होती है तो ये क्वालिटी डिटोरिएट करता है ये पत्तियों को सोचता है और ये इलाज तो हमारे पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो मैंने आपको पहले बताए वही है अब सबसे जो है मतलब जो इंसेक्ट कहना चाहिए स्पाइडर माइट्स जो कि बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है अगर हो जाता है तो आप ये देखेंगे ऐसे जाली जैसा बना हुआ है जाल जैसे घर में हो जाता है इस तरह से पौधों के बीच में जाल बन जाता है और ये माइट्स बन जाते हैं अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आसानी से कंट्रोल किसी से भी नहीं होते नीम से भी नहीं होते एल्कोहल से अब हो सकते हैं क्योंकि अब अपन यूज करने लगे हो सकता है अल्कोहल से हो पर एक देसी इलाज जो है ये है ऑर्गेनिक तरीका कि कुछ आटा या मुल्तानी मिट्टी उसको अपन पानी में घोल लें थोड़ा सा गाढ़ा सा जिससे वो अपन स्प्रे कर सके इस कंसिस्टेंसी का और उसको सुबह के टाइम हम पूरे पौधे पे छिटक दे तो जब गर्मी होगी तो ये आटा सूखेगा और ये जो माइट्स होंगे वो उसको प, वो ड्राई होंगी उसके साथ के साथ वो और उसको पकड़ लेंगी जकड़ लेंगी इस तरह से वो खत्म हो जाएंगे और ये इस तरह से हम स्पाइडर माइट से बच सकते हैं ये पत्तों के ऊपर भी करना है और पत्तों के नीचे भी करना है फिर फंगल डिजीजेस जो होती है जैसे कि आपको बताया कुछ डायन्यूमिली होती है कुछ ब्लाइट्स होती है अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट कुछ लीफ स्पॉट्स होते हैं एंथ्रक्नोज कहलाते हैं अर्ली ब्लाइट वगैरह में आप देखेंगे कि रिंग बन जाती है सर्कुलर रिंग्स बन जाती हैं लेट ब्लाइट होती है पर हमारे पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के नाम पे हम पन, हमारे पास पर फंजिसाइड है कॉपर फंजिसाइड को अपन यूज कर सकते हैं और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सरफेस पे रहते हैं और अब जो ये काम में लेने से पहले अपन सब्जी को धो लेते हैं तो ये इनका इफेक्ट नहीं आता है जबकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो एब्जॉर्व हो जाते हैं उसके स्किन में तो अपन इन फंजिसाइड को जो डायथन एम फोर्टी फाइव है इनको तीन ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन स्प्रे कर सकते हैं

वेक्टर्स, कैरियर्स कौन बनता है माध्यम कौन बनता है वो इम्पोर्टेंट है उसको हम उसको हम नष्ट करेंगे तो वायरस को नष्ट करने का कोई इलाज नहीं है अगर हो जाता है तो उसका एक ही तरीका है प्रिवेंटिव मेजर तो प्रिवेंटिव मेजर्स में वो वेक्टर्स, वो या वो इंसेक्ट्स, जो कि इसको लेके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे से तीसरे पेड़ पे घूमती है और ये बीमारी को फैलाती जाती है उनको हम हमें अपने पौधे पे नहीं आने देना है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो तीन चार पत्तियों का पौधा हो जाए, आपको अगर ऑर्गेनिक ग्रो करना तो गए कर मेरे पास तो पहले ऐसे था दो लीटर का तीन लीटर का स्प्रेयर तो थक जाता था करते करते जब से मैं पावर स्प्रे लाया हूँ बहुत आसान हो गया मेरे लिए इस शेड्यूल को मेंटेन करना एक

पोटेशियम से भी हो सकती है सोडियम से कैल्शियम से ये जो होता है और आपने देखा होगा कि माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं जिनकी कमी से पौधों में क्वालिटी और कमजोर हो जाते हैं पौधे एक कोड ये आता है रूट नोट निटोड ये रूट नॉट निटोड्स जो होते हैं ये आप को अपने लेग्यूम्स की जो नोड्यूल्स होते हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए <coughs> क्योंकि इसमें विशेष, इसमें विशेष डिफरेंस क्या होता है जो जो लेग्यूम्स के बनती हैं दाल वाली फसलों की सब्जियों की उसमें ये फर्क होता है कि वो जो लेग्यूम्स वाली जो गाठे होती हैं वो एक सरफेस पे होती है एक तरफ होती हैं जड़ के जो हेयर रूट हेयर्स के जबकि ये पूरा जड़ को इस तरह से गठीला बना देती है और धीरे धीरे जो वो ट्रांसलोकेशन होता है नीचे से ऊपर जाने का पौधों का पानी का न्यूट्रिएंट का वो खत्म हो जाता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है इसके लिए हमारे पास एक ही इलाज है कि अगर ट्रेप क्रॉप लगाए जैसे गेंदा बहुत इसमें कारगर साबित हुआ है अगर आप अपनी क्यारियों के में गेंदे के एक दो पौधे लगाते हैं तो क्या होगा कि गेंदे से ये ये सारे जितने भी होंगे वो उस गेंदे के पौधे में में जाएंगे और इसकी जड़ों में ये फूलते जाएंगे और फिर बाद में जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो इस पौधे को अपन निकाल के बाहर फेंक देंगे तो इस तरह से रिपीटेडली अगर अपन गेंदा लगाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये निमेटोट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी फिर है अपन जब पोटिंग करें ट्रांसप्लांटिंग करें तो ग्रोइंग मीडिया में नीम की खली मिलाए नीम के बहुत रिप्लेंट है और इसको उखाड़ते कोई भी जड़ का कोई भी पार्ट इसमें छूटे नहीं आपके में नहीं तो ये फिर ग्रो करता रहेगा बहुत फास्ट ग्रो करता है ये और अपन को एक रोटेशन एक चीज होती है मतलब एक फसल मतलब जो ससेप्टेबल जो फसल है इसकी वो है क्रूसीफर्स मतलब ये जो केबेज है कॉलीफ्लावर्स है मस्टर्ड है वो ससेप्टेबल है फिर जो कुकर बिट्स है मतलब लौकी तोरई कद्दू इनकी जड़े अपन कई बार उखाड़ते हैं और ऐसी गठली गठली निकलती है इसका मतलब कि उसमें आपकी जमीन में लिमिट है, तो हमको सावधान होना है क्योंकि ये चलती रहेगी बेल बहुत अच्छी आएगी पता चला महीने दो महीने तक बढ़िया चल रही है और जब फूल और फल लगने का टाइम आया तब तक नीचे इतना टोट बन गया कि आपका फूल, फूल वगैरह कुछ भी नहीं होगा और ये धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएगी एक जनरल बरसात के मौसम में स्नेल्स आ जाती हैं स्लेजेस आ जाते हैं तो ये भी नुकसान पहुंचाते हैं नीचे नीचे रहते हैं पर ये खा जाते हैं पत्तों को यंग यंग प्लांट्स को खा जाते हैं उसके लिए साल्ट का सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं तो ये गल जाते हैं एकदम स्नेल्स वगैरह अब हम आते हैं वेजिटेबल फैमिलीज पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कोल क्रॉप्स कोल क्रॉप्स की जो कैटेगरी है उसमें कैबेज कॉलीफ्लावर कोल मतलब गार्ड गोभी चाइनीज कैबेज एंड ब्रोकली ये मुख्य हैं इनके हम स्वाइंग, जो जैसे सितंबर अक्टूबर में हम कैबेज की गार्ड गोभी की खोल की और चाइनीज कैबेज की हम सितंबर अक्टूबर में इसकी नर्सरी स्वइंग करेंगे और कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली की हम अक्टूबर नवंबर में नर्सरी तैयार करेंगे अब मैं एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में क्या होती है कि अपन को कल्चरल मैनुपलेशन भी करने होते हैं यानी अपन मेंटेन करें स्वइंग डेट्स को भी कि किस समय पे हमारे को पौधे को कम से कम कीड़े आएंगे तो ऑर्गेनिक में हम इट इज ये रिकमेंडेड होता है कि हम नॉर्मल डेट पे करें ना तो अर्ली पे जाए और ना लेट पे जाए इसलिए मैंने आपको कई उन्हें वो भी दिया है लगा भी दिया है पर चूंकि तो अगर आपने पहले लगाया या बाद में लगाया अगर आप नॉर्मल लगाया तो बहुत जगह एक साथ गोभी लग रही है पत्ता गोभी लग रही है तो आपके जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसलिए ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए जरूरी है कि अपन जल्दबाजी नहीं करें बोने की और सही मतलब जो नॉर्मल टाइम है उसमें बोएंगे तो आपके इंसेक्ट कम लगेंगे तो आपके पेस्टिसाइड वगैरह और पेस्टिसाइड भी कम छिड़कना पड़ेगा तो इसके हम नर्सरी तैयार करते हैं और इसको एक फिट बाई एक फिट के डिस्टेंस के ऊपर पांच से सात लीफ की जब स्टेज हो जाती है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं ये तो पॉट्स की बात करता है इसके अलावा मैंने डेढ़ डेढ़ किलो की जो प्लास्टिक की जो ब्लैक थैली आती है उसमें भी एक एक पौधा लगा के बहुत अच्छे से फुल ग्रोथ प्राप्त करिए तो आप जरूरी नहीं है को कि कोई कंटेनर हो या कुछ हो एक प्लास्टिक की थैली जो ब्लैक कलर की होती है उसमें नीचे छेद करे हुए और उसमें ग्रोइंग मीडियम भर के आप एक एक पौधा भी लगा सकते हैं इस तरह से आप कई सारे थैलियों में कर सकते हैं अब इसमें विशेष जो ध्यान रखने की जो चीजें होंगी गोभी को लगाने में या पत्ता गोभी को लगाने में सबसे पहला पहली बात जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि नॉर्मल सीजन में बोना है फिर इसके साथ एक और मजेदार बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी कि जहां मेरी गोभी लगी हुई थी मैंने चाइना कैबिज भी लगाई थी तो चाइनीज कैबिज कही सके तो ठीक से नहीं उगी और जहां उगी उसको मैंने हर पौर, हर कंट्री हर कैरी में एक एक चाइना कैबिज लगा दी पत्ता तो गोभी और फूल गोभी के साथ तो मैंने ये देखा कि चाइना कैबिज जो है उसमें सारे कीड़े जो उस कैरी में आने थे वो सब केवल चाइना के में आए इसका मतलब वो उनकी फेवरेबल क्रॉप थी उनकी पसंद की क्रॉप थी तो बाकी इसको खाते रहे और बाकी आपके सब्जियां बची रही तो और ये भी ध्यान रखें कि उस जो चाइना कोविज के एक या दो अपन ने एक एक कोने पे जो लगा रखी है उसमें अपन दवाई नहीं छिड़के उसको उनको कीड़ों के खाने के लिए छोड़ दें उन, उन चार पौधों को छोड़ देंगे तो बाकी के आपके जो पचास पौधे हैं वो बचे रहेंगे इसके अलावा आप धनिया भी उसके अगर बॉर्डर पे लगाएंगे या पास में लगाएंगे वो भी इनको जो मौत होती है मौत और बिटर मौत और बटरफ्लाई में एक ही अंतर है जो रात को जो आती है मोटे मोटी मोटी बटरफ्लाईज जैसी उनको मौत कहते हैं ये रात को ही आती है दिन में आपको नहीं दिखेंगी और जो दिन में आती है वो बटरफ्लाईज होती है तो जो अगर, अगर अपनी ये धनिये की अपन उसके पास में एक लाइन धनिये की लगा दें बॉर्डर पे लगा देंगे तो भी इसको लार्वा नहीं आएगा तो ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिस है इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर निमोटेट्स होते हैं क्योंकि ये क्रूसीफर है क्रूसीफर फैमिली के हैं तो इसमें निमेटोट ससेप्टेबल भी होते हैं मतलब नीमेटोट के पसंद की फसल है ये तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि गेंदा लगाइए फिर जब ये हो जाते हैं हेड्स बन जाते हैं जिस कॉलीफ्लावर के जो फूल हो जाते हैं उनको कर्ड भी कहा जाता है उनको जब आपके हो जाए तो उसके ऊपर उसी गोभी का पत्ता तोड़ के ऊपर से ढक दे तो उसका डिसकलर नहीं होगा पीला नहीं होगा कुछ एफिड जैसे जैसे आते हैं वो भी बचे रहेंगे तो उन पत्तों को उसके कर्ड के ऊपर ढक दे ये मुख्य बातें हैं पिन पॉइंट्स एक और बहुत अच्छी चीज है हालांकि ये अपन कंटेनर्स में करने में अपन को है पर साथ में जो कंपिन क्रॉपिंग जैसे कहते हैं वो भी है कि अगर कैबेज को और टमाटर को टमाटर को हम एक साथ लगाते हैं तो ये आपके बोरर्स को रिपल करते हैं दूर भगाते हैं मतलब कैबेज भी बचा रहेगा और टोमेटो भी बचा रहेगा और ज्यादातर शूट बोरर में आएगा टोमेटो में तो टोमेटो को बचाने के लिए कैबेज के साथ लगाते हैं तो ये इसी तरह कैबेज के साथ हम गार्लिक स्टो करते हैं बोते हैं कैबेज के साथ अपन कोरिएंडर बताते बोते हैं गेंदा लगाते हैं या ऑनियन लगाते हैं तो जहां भी आपने केबेज लगाया है बीच में एक एक लाइन उसको आप टमाटर की गार्लिक की कोरिएंडर की मेरीगोल्ड की और ऑनियन की लगा दे तो आपके कैबेज में कीड़े कम लगेंगे ये कंपेनियन कराती है और बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि इससे कीड़ा नहीं लगता ये देखिए ये अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो लास्ट में जो है दिख दिख रही है, जिसके ऊपर सेवन स्पॉट्स रहे हैं वो हमारी बेनिफिशियल बीटल है जो अक्सर आपको देखने को मिलती है ये एफिड्स को खाती है तो इस तरह के ये अपन को पहचानना जरूरी है कि अपने फ्रेंडली इंसेक्ट कौन से हैं अगर ये आपके पास है तो उसमें आपको वो मरना नहीं चाहिए इस तरह से अपन को ध्यान रखना है क्योंकि ये एफिड्स को खा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना आपका एफिट्स कम होंगे तो ज्यादातर जो बीमारी मुख्य रूप से जो कीड़े आते हैं वो देखिए केबेज में ये एफिड्स है ये, ये कटवर्म से इलाज मैंने आपको इन जनरल पहले बताया है कि क्या आपको करना है जो मेजर डिजीज आती है जिसमें ये डाउन मिल्डी होती है जिसमें जो ब्रोकली हो या में है, आपको दिखे से ब्राउन होना तो आपको डाउन मिल्ड्यू जब इसको डाउन मिल्ड्यू कहते हैं तो इसके लिए डायथन एम फोर्टी फाइव या जेट सेवेंटी एट का स्प्रे करना चाहिए वायरस की मैंने बहुत तारीफ कर दी पहले ही आपके से है ना वायरस कंट्रोल नहीं होता है केवल अपन कर सकते हैं तो उन कीड़ों को जो आप, जो आपके पास आपके पौधे में वायरस लेके आ रहे हैं तो अपन को रिपीटेड स्प्रे करना है इस तरह से मोजेक डिजीज होती है फिर आई मालवेसियस क्रॉप यानी भिंडी भिंडी लगभग अपन पूरे साल लगा सकते हैं क्योंकि अपनी कोटा कंडीशन में तो लगी जाता है जहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह होता है पाला पड़ता है वहां पे विंटर्स में भिंडी नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत ससेप्टेबल हो जाती है ये तो कोटा कंडीशन में हम आराम से भिंडी लौकी तो रही समर्स में खरीफ में मतलब रेनी सीजन में स्प्रिंग सीजन में सब में लगाते रहते हैं लग सकती है एक के बाद एक वापस लगा दीजिए जब वो बड़ी हो गई है लगा के अब इसमें कम होने वाला है आपको वापस तो एक महीने पहले खत उसको उखाड़ने के एक महीने पहले आप रिसंग कर दीजिए जैसे अभी हमने रिसोइंग कर दी लौकी की तो डायरेक्ट स्वइंग होगी क्योंकि इसका बीज मोटा है और इसको हम फर्स्ट वीक अक्टूबर में बोएंगे स्पेसिंग हम थर्टी टू इंटू थर्टी मतलब एक फुट बाय एक फिट के रखेंगे और चूंकि सीड मोटा है तो अच्छा ये रहेगा कि हम उसको ओवरनाइट पानी में भिगो दें फिर व्हाइट फ्लाई और एफिड से बचाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाएं और नीम का या का यूरिन का पेस्टिसाइड का स्प्रे हम पांच से सात दिन में करें क्योंकि एक बार ये, ये येलो वेन मोजैक आ जाता है तो फिर ये सारे इसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है खासतौर से अगर अर्ली स्टेज पे आ जाएगा तो फ्लावर और इसके फ्रूट्स भी जाएंगे बहुत डिलेड स्टेज पे आता है तो फिर भी अपन को कुछ फल फूल मिल जाते हैं फिर एक बोरर आता है आपने देखा होगा कि भिंडी टेढ़ी होगी बीच में से और एक छेद हो रहा है इसको फ्रूट बोरर कहते हैं फिर इसमें माइट्स बहुत आता है रेड स्पाइडर माइट आती है आप जैसे जो फूल या जिसकी इसकी बर्ड्स आती हैं इनके ऊपर लाल रंग की रोली जैसे होती है वो आ जाती है तो इनको अच्छी तरह से धोइए बढ़िया और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लोर मिक्स वाटर का स्प्रे करेंगे व्हाइट फ्लाई ये भी कैरियर है वायरस का और ये चूसने वाले कीड़े हैं से येलो वेन इसको जो भिंडी में जो वायरस डिजीज आती है वो व्हाइट फ्लाई से आती है और वो येलोवेन जो वाई एम वी वायरस कहलाता है अब हम बात करें सोलेनीस क्रॉप्स की सोलेनीस सबसे बड़ी फैमिली है इस विंटर के लिए जो सबसे ज्यादा सब्जियां जो होती हैं वो में फैमिली की होती है जैसे आप देखिए चिली है टमाटो स्वीट पेपर ब्रिंजल आदि ये सब सोलनेसी फैमिली के मेम्बर्स हैं अब इनमें इनके मोस्टली सबके सीट बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनकी अपन को नर्सरी तैयार करनी पड़ती है तो पर कैप्सिकम वगैरह जैसे शिमला मिर्च वगैरह होती है या चेरी टमाटर वगैरह आता है उनको लेट बोया जाता है जब ठंड आनी शुरू हो जाती है जबकि चिल्ली ब्रिंजल और टमेटो इनकी नर्सरी हम अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में तैयार कर देते हैं नवंबर मतलब लेट वाली सीजन के लिए अगर जाते हैं और अक्टूबर का मतलब नॉर्मल सीजन शिमला मिर्च जो है वो हम लेट क्योंकि वो कोल्ड लविंग होती है उसको ठंड की जरूरत होती है उसके अच्छे साइज के लिए इसलिए हम उसको नवंबर में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और इसको तीस ती सेंटीमीटर यानी एक फिट बाई एक फिट के डिस्टेंस के ऊपर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं अब इसमें इन सोलिन क्रॉप्स को बोने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए जो छोटे जैसे टिप्स कहते हैं ना सारे चीजें तो बता दिए पर ध्यान ही देने लोग लायक क्या चीजें हैं वो है इंपॉर्टेंट जिससे अपन बचा सके एक तो एक प्रैक्टिस जन जनरल होती है कि हर फसल के लिए एक अपन इसको स्पेशल टिप्स में विशेष ध्यान रखने वाली जैसे बहुत आसान तरीका होता है नर्सरी क्योंकि इन सबकी नर्सरी तैयार होती है और नर्सरी स्टेज से ही इसमें लीफ माइनर और वायरस सब आने शुरू हो जाते हैं तो एक बहुत आसान सी तरीका है कि मॉस्किटो नेट जो अपनी होती है छोटी सी मॉस्किटो नेट का एक नेट बना लीजिए जो आपकी नर्सरी के ऊपर लगा दें जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो तब तक उस नेट के अंदर रखेंगे तो ना लीफ माइनर आएगा ना कोई वायरस आएगा और चिड़िया भी नहीं खाएगी तो नर्सरी को अपन अगर मॉस्किटो नेट से ढक देंगे तो बहुत फायदे हैं फिर इस प्रोम प्रोम का नाम आपने सुना है या नहीं सुना पर प्रोम जो होता है एक फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसका डिटेल में आपको आगे बताऊंगा ये भी ऑर्गेनिक फास्फेट ये रिप्लेस करता है डीएपी को और सुपर फास्फेट को और हमारे जो सोलिनि क्रॉप जो है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है किससे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की इनकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल क्रॉप से ज्यादा है तो अपन को सप्लीमेंट करना पड़ेगा इनको आप जो भी मेन्योर वगैरह दे रहे हैं उसके अलावा आपको ये देना पड़ेगा फास्फोरस और कैल्शियम नहीं तो वो जो एक बीमारी आती है जो मैं आपको बताए बताऊंगा आगे भी वो ज्यादा होगी तो प्रॉम जो होता है वो मार्केट में इजिली अवेलेबल भी होता है और ऑनलाइन भी मिलता है उसको हम करीब 20 ग्राम पर केजी जी या एक स्क्वायर फीट या एक गमला जो है एक फिट वाला उसके हिसाब से अपन करीब 20 ग्राम के आसपास अपन फ्रॉम यूज करें फिर होता है एग शेल चौक जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है पर एग शेल है या चॉकस्टिक है ये सब स्लोली अवेलेबल होते हैं तो इन डायरेक्ट नहीं होते है कि जल्दी से मिल जाए तो इनको अपन अपना जब कंपोस्टिंग तैयार कर रहे हैं कंपोस्ट बिन में ही डाल दें सीधा एक शेल लिया उनको अच्छे से, से क्रश किया जो आपने यूज करा है दो धा के या और कुछ नहीं तो चौक स्टिक जो जिसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड पे आजकल वो भी कम होता जा रहा है स्केच पेन और जगह लेते जा रहे हैं पर जो चौक ऐसा मैंने देखा है कि अगर दो चौक को एक एक गमले में आप लगा देंगे तो भी कैल्शियम की पूर्ति धीरे धीरे होती है ये एक आसान तरीके हैं फिर जैसा एक समय होता है कि आपको पांच सात दिन में आपको स्प्रे करना है जिससे कि वायरस वेक्टर्स और बोरर्स वगैरह से आपको बचाओ वो फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है अर्ली इस प्लांट में वो साइड ब्रांचेस मतलब इसमें नीचे से ही ब्रांचिंग हर पत्ती में से आपको ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी छोटे छोटे से पौधे वो, वो तेहनिया निकलेंगी बर्ड्स निकलेंगी उनको आपको नीचे से कम करना है जिससे कि प्लांट का स्टेम मजबूत हो जाए क्योंकि ये सब जो पौधे हैं सोलनिसेस के जैसे ये हुआ टमाटर हुआ मिर्ची हुई इन सब पे बेरिंग बहुत आती है बैगन हुआ तो इनके लिए जरूरी है कि इनका स्टेम मजबूत हो इसलिए ये जरूरी है कि अपन शुरू में अपन ब्रांचेस हटा देंगे और एक करीब एक फाइट एक फिट के हाइट के बाद या नौ इंच के हाइट के बाद अपन ब्रांचिंग अलाउ करेंगे जिप्सम भी एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है कैल्शियम का उसको भी हम डाल सकते हैं में ये पोटिंग के टाइम पे एक जो वायरस डिजीज बहुत कॉमन है और इससे बचना प्राय बड़ा मुश्किल हो जाता है लीफ कर्ड ये इसके पीछे भी जो हमारा एनिमी है वो वाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई लीफ कर्ड को फैलाता है तो अपन को एक ही इलाज है कि वाइट फ्लाई को हम नहीं आने दे और उसका इलाज भी वही है कि हम रिपीटेड स्प्रे करते रहें कुछ और हैं हैं जो ब्रिंजल में होते आप देखिए बड़ी बड़ी मौत है ब्रिंजल का ये पत्ता मुड़ के नीचे हो गया है फ्रूट में छेद है तो लीफ रोलर फ्रूट बोरर्स ये सब ब्रिंजल में आते हैं ये मतलब अगर ऊपर का जो स्टेम है ब्रिंजल का वो ऐसे ड्रूपिंग हो जाए इसका मतलब उसके तने को आप तोड़ेंगे नीचे से तो उसके अंदर एक टनल होगी जिसके अंदर एक लार्वा होगा कैटरपिलर होगा तो उसको अपन एक ही तरीका है कि ना अगर अपने अगर क्योंकि अपने शुरू में ढंग से स्प्रे नहीं करा इसलिए अंदर वो अंदर घुस गया तो अब उस स्टेम को अपन वहां से कटिंग कर देंगे वहां से डाली को काट देंगे क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म करेगा उसने अंदर से सब खोखला कर दिया है इसको तो ये एक आसान तरीका है कि अपन स्प्रे करते जाए और जो इस तरह से ड्रूपिंग हो जो इन्फेस्टेड प्लांट है उनको हटा के दूर फेंकें इसी तरह से वायरस का ये लिटर लिव डिजीज ऑफ ब्रिंजल होता है ये भी वायरस से फैलता है ये एक बार हो जाता है तो फिर सब प्लांट्स में कुछ भी नफल आता है एक आसान तरीका कुछ अपन को है कि ये जो अपने ये प्लास्टिक की बोतल्स है उनसे इस तरह के अपन कुछ हैंगर्स बना लें और जो प्लांट की जो हाइट के ऊपर इसको लटका दें और इसके बोतल में नीचे अपन ने भरा है शुगर बेकिंग सोडा और थोड़ा सा तेल इसमें उनको लटका देंगे तो शुगर की वजह से वो लोग एट्रैक्ट होंगे और इसमें आएंगे और फिर ये दोबारा जाने पाएंगे क्योंकि तेल से भी नहीं जाएंगे और अपन ये बोतल जो काट के आधी उल्टी करिए दूसरा लाइट ट्रे पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर बल्ब लगाया नीचे एक फनल रखी और नीचे आपने शुगर का या खाली पानी का और तेल का रखा उससे भी ये कीड़े इसके अंदर आएंगे और गिरेंगे और इसमें कलेक्ट होते जाएंगे पांच सात दिन में आप इसके अंदर का पानी बदल दीजिए तो उसमें करने का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो इन्फेक्टेड शूट्स और लीव्स हैं उनको अपन हटा देंगे मेरीगोल्ड मतलब गेंदा लगाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा Marigold, बहुत बढ़िया चीज़ है मेरी है, होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है तो ये गेंदा तो एक हमारे वेजिटेबल गार्डन में जगह जगह पे लगाना बहुत जरूरी है इन कीड़ों के अलावा एक और फायदा होता है कि जो मधुमक्खिया होती है वो भी ज्यादा आएंगी जो आपके क्रॉस पोलिनेशन पॉली, में काम आती है का स्प्रे हाथ से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए उठा सकते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं है तो वैसे ही पिक कर लीजिए ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनिया की एक लाइन बीच में लगा दें क्योंकि अपन कैरी में नहीं लगा रहे कंटेनर में लगा रहे तो पास वाला उसके पास में कंटेनर रख दें एक जिसमें धनिया लगा हुआ एक जो ब्रिंजल का कंटेनर है उसके बाद धनिया का कंटेनर रख दें तो भी ये फायदा मिलेगा देखिए ये देखिए कि जैसे दो रो लगाते हैं तो ट्रैप क्रॉप कैसे टमाटर कर रहा है रिड्यूस देखिए आप गेंदा का फूल आप नीचे देख रहे हैं उसके अंदर लार्वे घुसे हुए इसका मतलब जो लार्वे को टमाटर के अंदर घुसना चाहिए था वो गेंदे में घुसा है इसका मतलब ये ट्रैप कर रहा है तो गेंदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑर्नामेंटल के साथ साथ एक फसल है जो की कीड़ों से बचाती है अब जैसा की मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये होता है दो कारण है इसके ब्लॉसम एंड के नीचे से ये ऐसा काला हो के विदर्ड हो जाता है एक तो कैल्शियम की दूसरा पानी कम होना ये दो एक कारण होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है ब्लॉसम एंड एंड्रोइ कहते हैं मतलब नीचे बॉटम में होता है तो इसके लिए हम जब होना शुरू हुआ हो एक दो में भी देख लिया हो अपन ने तो कैल्शियम क्लोराइड का हम 0.5 परसेंट का गोल का हम फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम में जब फ्रूट बन रहा है फूल के बाद फ्रूट बनता है जब थोड़ा छोटा सा ही फ्रूट बने तो हम कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे और पानी की नमी बनाए रखेंगे ये दोनों चीजें चाहिए पानी की नमी इस चीज़ को इसकी कैल्शियम की कमी को बढ़ाता है और इसके जब अपन प्लांटिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिप्सम या बोन मिल हम इसमें मिला सकते हैं या प्रोम भी मिला सकते हैं जिसमें अब टमाटर के लिए कुछ स्पेशल क्योंकि सबसे फेवरेबल चीज़ अपने इस सीजन की होती है टमाटर कि हमें टमाटर कितने से तरह का आता है देखें आप गोल आता है लंबा होता है पियर शेप में होता है प्लम शेप में होता है चेरी टमाटर होता है बहुत तरह तरह के टमाटर होते हैं टमाटर हरा भी खाया जाता है टमाटर लाल भी खाया जाता है टमाटर के और कई प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्वेशन टेक्निक है सॉस की प्यूरीज की इन सबकी टमाटर का बहुत महत्व है क्योंकि अगर ज्यादा भी, भी हो जाता है तो भी अपन उसको बचा के अपने आगे के लिए रख सकते हैं पर सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत होगी हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले तो उसका सिडलिंग हेल्दी हो और वो कैसे होगा कि जब पर लीफ बैनर और वायरस वगैरह से अपन बचा के रखेंगे और इसके पॉट ग्रोइंग मिक्सचर में हम जिप्सम और प्रॉम ऐड करेंगे ट्रांसप्लांटिंग करके जिस बेड में अपन लगा रहे हैं उसमें अपन जिप्सम और प्रोम जरूर डालें तो ये हेल्दी टमाटर होंगे और जो ये जो डिजीज पत्तियां हैं पीली हो गई हैं वो सब हटाते जाएंगे क्योंकि ये जो पत्तियां अगर आपके कैरियों में रह गई तो परमानेंटली सोर्स बन जाएगा इन बीमारियों का आगे आने वाली फसलों के लिए फंगल डिजीजेस जैसे मैंने आपको बताया ये बैक्टीरियल स्पोर्ट्स है अल्टरनेट या सोलह डाई कहते हैं इनके लिए डाइथन एम फोर्टी फाइव बैक्टीरिया इसके लिए इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज करा जाता है तो इसी तरह से ये वायरस डिजीज के लिए जो वाइट फ्लाई से फैलती है इसके लिए आपके नीम का स्प्रे पर शुरू से करेंगे अब एक चार मुद्दा है जब टमाटर लगाते हैं कि हमें चेरी टमाटर लगाना है अब चेरी टमाटो लगाना है तो किस तरह से लगाना है इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा कुछ स्पेशल टेक्निक्स ज्यादा कुछ नहीं है पर ये इसका प्रूनिंग इसकी इम्पोर्टेंट है अब जैसे कि टमाटर दो तरीके के होते हैं ग्रोथ हैबिट के हिसाब से कि एक तो इनडिटर्मिनेट मतलब जिसमें ग्रोथ बढ़ती रहती है वो इनडिटर्मिनेट कहलाते हैं जैसे चेरी टमाटो जो क्रीपर का फॉर्म ले लेती हैं बेल का फॉर्म लेके ज्यादा लंबाई तक जाती है कई कई फिट तक भी चले जाती है दूसरा होता है मतलब जिसकी मतलब लाइफ साइकिल और उसकी ग्रोथ फिक्स है वो डिटर्मिनेट कहलाती है। जो एक, जो एक होगा प्लांट खत्म हो जाएगा और ये इनमें जो डिटर्मिनेट प्लांट होता है उसमें प्रूनिंग नहीं करी जाती है जबकि इंटरटर्मिनेट मतलब जैसे चेरी टमाटो हुआ उसमें हम प्रूनिंग करके उसको हम ट्रेनिंग करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं तो चेरी टमाटो में प्रूनिंग करने का तरीका ये होता है कि पहले से प्रूनिंग नहीं करते हैं ब्रांचेस नहीं हटाते हैं सकर क्योंकि उसको सकरस कहते हैं जो जो लीफ की एक्सल में निकलता है उसको हम सकर कहते हैं तो जब पहला फूल जब आ जाता है एक जैसे आप देख रहे हैं तो ये कब आएगा जब ये करीब 1.5 फीट का आपका प्लांट होगा जब ये आ जाएगा तब तो हम नीचे के सकरस हटाएंगे और फूल के नीचे वाले सकर एक छोड़ देंगे बाकी नीचे के सकर हटा देंगे इस तरह से उसको छोड़ने से क्या होगा कि एक ब्रांचिंग होगी वो वाई शेप में होगी अच्छा एक चीज और अक्सर देखी गई है कि जो सकर्स होते हैं वो कई बार बड़े हो जाते हैं बड़े सकर्स हो जाते हैं अगर अपन उसको अपन हाथ से उखाड़ते हैं तो तने को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए उनको हम थोड़ा सा पिक प्लग करेंगे ना तो बिल्कुल तने के पास से नहीं करेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के अपन करेंगे प्लग जिससे कि तने को डैमेज नहीं हो तो इस तरह से ये वाई बनेगा फिर उसके ऊपर फिर फ्लावर आएंगे फिर उसके नीचे के बर्ड छोड़ेंगे इस तरह से अपन करेंगे इसके ये देखिए फिर इसके अलावा क्या जरूरत है स्टेकिंग इस की इसको में बहुत जरूरत है स्टेकिंग करेंगे नीचे डंडी लगाएंगे फिर ऊपर से कुछ धागे से प्लास्टिक के धागे से उसको अपन बांधेंगे लोहे का तार अपन यूज नहीं करेंगे इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि लोहे का तार एक तो गर्म हो के बाद में नुकसान पहुंचाता है फिर पौधे के अंदर घुस भी जाता है तो अपन लोहे का तार यूज नहीं करेंगे प्लास्टिक का तार या सूत की रस् लेके मजबूत होगी उसको हम उससे हम स्टेकिंग करेंगे और स्टेकिंग के फायदे ये होंगे कि पौधा जमीन पे नहीं लेटा रहेगा तो जो फ्रूट्स आएंगे वो भी टच नहीं करेंगे जमीन को तो हेल्दी रहेंगे उनमें पानी नहीं लगेगा तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और फंगल इन्फेक्शन को कम करता है तो स्टेकिंग बहुत जरूरी है अब ट्रेनिंग के भी दो तीन तरीके होते हैं सिंगल स्टेम टू स्टेम और थ्री स्टेम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें क्योंकि काफ़ी फैलता है इसलिए अपन डेढ़ डेढ़ फीट दोनों तरफ रखेंगे ये देखिए टाइप्स ऑफ प्रूनिंग में मैं आपको बताता हूँ ये टू स्टेम मतलब वाइट जो मैं आपको बता रहा था ये वाई है फिर थ्री स्टेम से आप ट्रेल कर सकते हैं ये दो मेथड होते हैं टू स्टेम या थ्री स्टेम पर कब करना है अपन को फ्लावर जो फर्स्ट फ्लावर बंच जो है उसके बाद से नीचे से हटा के और फ्लावर के नीचे वाला बंश को अपन दो बार या तीन बार रखने हैं ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इनको जिससे कि जमीन को टच नहीं हो पानी से और मिट्टी से खराब नहीं हो और अगर बहुत ज्यादा बेरिंग होती है तो इस तरह से हुक भी लगाए जाते हैं उनके सपोर्ट करने के लिए कि तना नहीं टूटे टमाटर बहुत तो बढ़िया हो रहा है पर कहीं तना, तना नहीं तोड़ दे फिर लेग्यूमिनस क्रॉप आती है लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब हुआ कि पीज हम पीज को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि मटर मटर बहुत शौक से अपन लगाते हैं पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मटर के कम से कम आपके पास पचास साठ पौधे हों तो आप मटर लगाइए वरना नहीं लगाए क्योंकि 5 दस पौधे आपका शौक तो पूरा कर देंगे पर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए अपन को अपने फैमिली साइज के हिसाब से हर वेजिटेबल का जो कंटेनर जो पॉपुलेशन है या जो साइज है वो उसी हिसाब से लेना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर भिंडी है तो आपके कितना बड़ा कंटेनर होना चाहिए आपके फैमिली साइज के अगर आपके फैमिली में है, तो भाई, चार जने तो आपके करीब बाई बाई दस का एक कंटेनर भिंडी का होना ही चाहिए इसी तरह से मटर का भी आपका होना चाहिए इतना अगर आप जगह दे सकते हो तो आप मटर लगाइए वरना मटर को नहीं लगाए क्योंकि इसमें फ्रूटिंग कम होती है और टाइम पूरा लेती है तो मटर को हम डायरेक्ट क्योंकि इसका बोल्ड सीड होता है तो हम इसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और इसकी जो स्पेसिंग रखी जाती है वो तीस से इंटू पंद्रह सेंटीमीटर मतलब एक फुट इंटू आधा फुट मटर को अगर अपन ट्रेल करेंगे जैसे अभी बेचने के लिए आते जब कहते हैं ना टेलीफोन वाली मटर टेलीफोन वाली मटर व वा क्या है टेलीफोन इस तरह से ट्रेलिंग सिस्टम है जैसे टेलीफोन तार एक सड़क के ऊपर लगे रहते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है टेलीफोन की कोई वैरायटी नहीं होती है वो वो तरीका आता है, है कि हमने मटर को टेलीफोन के तारों जैसे बन चढ़ाया है तो मटर खराब नहीं होती जमीन टच नहीं होगी हवा जाए, बराबर जाएगी स्प्रे आप करेंगे तो बीच में घूमने की जगह होगी चारों तरफ की अच्छा तरह इसलिए इनको भी स्ट्रेकिंग करना चाहिए क्रीप और चढ़ा भी देना चाहिए ये एक बीमारी बहुत ज्यादा आती है पाउडरी मिल्ड्यू मतलब आपके उस पर तने के ऊपर आपके पत्ते के ऊपर आपके पौड के ऊपर ये पाउडर जैसा बन जाता है और ये डिसकलर कर देता है और धीरे धीरे पौधों को खत्म कर देता है इसका शुरू से ही इलाज जरूरी है इसके लिए हम उसको पानी से बढ़िया धोएंगे और एक सल्फर आता है सल्फर को हम ऑर्गेनिक की श्रेणी में रखते हैं तो वेटेबल सल्फर आता है उससे अपन उस स्प्रे करते हैं मीठा सोडा भी करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे पर जो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस है वो है वेटेबल सल्फर की वेट सल्फ के नाम से भी मिलता है बाजार में उसका हम स्प्रे करेंगे तो ये पाउडर मिल जू पर ये शुरू से ही करना पड़ेगा इसको ज्यादा को बढ़ने बढ़ने नहीं देना चाहिए फिर आते हैं हमारी रूट क्रॉप्स यानी गाजर मूली चुकंदर शलजम ऑनियन गार्लिक ये सब होती है अब जैसे कि सब की है ना डायरेक्ट स्वयं होती है एक एक्सेप्ट ओनियन और गार्लिक की जो मूली हम सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं और नवंबर दिसंबर में भी लगा सकते हैं ये तो हम हालांकि कुछ वेरायटी ऐसी होती है जो गर्मियों में भी लगाई जाती है और गाजर चुकंदर शलजम इसको हम अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे अब ओनियन और गार्लिक जो है वो ओनियन की हम बहुत तैयार करते हैं नर्सरी दो तरीके से लगाते हैं एक तो उगी हुई जो प्याज होती है उसको अपन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगी आपकी स्प्रिंग ओनियन मतलब उस केवल पत्तों के लिए अपन खा रहे हैं तो उगी हुई प्याज को आप लगा दीजिए जमीन में वो बहुत अच्छे पत्ते देंगे उसकी कटिंग लेते रहिए इसी तरह से गार्लिक की भी ले सकते हैं पर अगर आपको प्याज चाहिए तो आपको बीज बोना होगा और इसकी बहुत तैयार करनी होगी गार्लिक की तो तो फलियों को डायरेक्ट लगाया जाता है थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर और वो फिर बाद में उसमें पूरा बल्ब बन जाता है गार्लिक पे बीज नहीं होता गार्लिक गार्लिक खुद ही एक एक कली को अलग अलग करके लगाया जाता है उसमें डिस्टेंस जो है वो साढ़े सात सेंटीमीटर जरूर रखनी चाहिए नहीं तो आपको बैठती नहीं है अच्छी इसमें जो ध्यान रखने की चीजें हैं वो है कि इनको रो में लगाना चाहिए ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि डिस्टेंस बराबर रहे और जो सोयल मीडियम है उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए डेफ्थ भी चाहिए कम से कम एक फिट की डेफ्थ चाहिए मूली और गाजर लगाने के लिए फिर सीड रेट कम रखनी चाहिए ज्यादा नहीं रखनी चाहिए और अगर ज्यादा हो गई है तो उसकी थिनिंग जल्दी करनी चाहिए जिससे कि उनकी ग्रोथ पे फर्क नहीं आए फिर पांच से सात लीफ स्टेज पे उसकी थिनिंग कर देने चाहिए। जैसे मूली की गाजर की, इन सब की तो आप क्योंकि ये जमीन में जा रही है मतलब आपको सॉइल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए फ्राइबल होनी चाहिए इसके लिए मॉइस्चर भी ज्यादा होने चाहिए और इनका हार्वेस्टिंग कब करेंगे अगर आप ज्यादा देर तक रख रहे हैं तो पत्ते पीले होने लग जाते हैं तो अपन इनको निकाल देते हैं कि ये गाजर में अक्सर होता है मूली तो अपन और भी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि मूली के पत्ते हम खाने में काम में लेते हैं गाजर के पत्ते अमूमन नहीं लिए जाते इसमें एक कीड़े लगते हैं मिलीबग लीफ माइनर्स लीफ इटिंग लिफ हीटिंग चीज जो आपने देखी होगी वो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए वरना इस तरह से उंगली जैसी बन जाएगी और क्योंकि वो बीच बीच में पत्थर आ गए तो इधर से निकल गए इसकी जड़े उधर से निकल गई वो फॉर्म में ले लिए इस तरह से तो इस तरह से अपन को एक तो हाइट मतलब डेफ्थ कम से कम एक फिट होने चाहिए आपकी कंटेनर की और फिर उसमें कंकड़ वगैरह नहीं होने चाहिए इसी तरह से एक प्रॉब्लम आती है इनमें निमेटोर्ट्स की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगातार लगाने से ये क्रूसीफर्स है क्रसीफर फैमिली के सरसों जाति के हैं तो इनमें कृषि ये निमेटोर्ट ज्यादा आते हैं तो नीम की खली भी डालें और गेंदे वगैरह लगाएं। लीफी वेजिटेबल्स में आता है स्पाइनेच, मेथी और कोरिएंडर। ये हम आसानी से लगा सकते हैं पर उनको बोना है अपन को अक्टूबर नवंबर में है और ये डायरेक्ट स्वइंग होती फिर उसके बाद है सेलेट क्रॉप्स जैसे लेट्यूस पार्सले केल वगैरह जो है इनकी हमें नर्सरी तैयार करनी होती है तो इनके हम पहले नर्सरी तैयार करेंगे सितंबर अक्टूबर में और इसको करीब बीस दिन की जब हो जाएगी उसके बाद उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे लेट्यूस में जो एक, एक अक्सर बीमारी आती है एक तो डाउनी मिल्टिव आती है जो कि पत्तों के ब्राउनिंग हो जाती है क्योंकि ये बोया ही पत्तों के लिए जाता है अगर उसमें भी कोई बीमारी आ जाती है तो पूरी फसल बेकार हो जाती है इसलिए अपन को ध्यान रखना होगा कि डाउनी मिल्टिव नहीं आए मोज़ेक वायरस नहीं आए क्योंकि लिफी जो वेजिटेबल्स है उनमें अगर लिफ की बीमारी हो जाएगी तो वो वेजिटेबल्स आपके न काम की होगी ना वो बिकने लायक होगी अच्छा इसमें अब विंटर्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स है जो कि हम बहुत कम समय में ले सकते हैं काम में जैसे छलजम है करीब साठ दिन में तो ये आपको आ जाएंगे आप दोबारा नई क्रॉप लगा सकते हैं इसी तरह से सरसों का साग है लेट्यूस है स्पाइनच है जुकनी है केल है जो सलाद में काम आती है बीट है चुकंदर फिर नोल खोल मतलब गाढ़ गोभी और ये पॉक्चा ये भी सलाद का आइटम है तो ये सिक्सटी डेज में आपको प्रोड्यूस देना शुरू कर देती है इसी तरह से कुछ स्पाइसेस है जो विंटर में लगाई जाती है जैसे कोरिएंडर, सौफ ये दो बार लिख दिया मैंने धनिया और कोरिएंडर दोनों लिख दिए गार्लिक ओनियन और मेथी ये स्पाइसेस है ये स्पाइस की विशेषता ये है कि ये अपने किचन में से अपन यूज कर सकते हैं धनिया को हम आधा इसको थोड़ा सा दरोड़ ना कहते हैं या थोड़ा सा इसको ऐसा पीसेंगे ऊपर से रगड़ेंगे कि दो हिस्से में बढ़ जाए इसी तरह से सौफ को नहीं रगड़ेंगे और धनिया को रगड़ेंगे तो इसको ये सौफ और धनिया अपन लगा सकते हैं एक सु भी आता है उसको भी हम लगा सकते हैं गार्लिक का जैसे मैंने आपको बताया कि गार्लिक की कलियां कलियां लगाई जाती हैं प्याज को दो तरीके से लगा सकता है बीज से भी और प्याज से भी और मेथी मेथी भी साग की तरह काम में आती है कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो अपने घर में अपन बिना बीज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने खुद से जो उग जाती हैं जैसे लस्सन है ये उग गई लगा दी गाजर की भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से ऊपर का आपने काटा ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया और एक कटिंग लेके गाजर बोधी तो नीचे की गाजर आपने खाली ऊपर करके बड़ा सुंदर सा ये वो बन जाता है ड्राइंग रूम में भी रखने लायक हो जाता है कि आपने छोटे-छोटे कटिंग करके आपने इस तरह से डेकोरेट कर दिया इसी तरह से धनिया भी रखा जा सकता है पालकचोई भी रखा जा सकता है और आलू जैसा मैंने विंटर्स में भी आलू होता है आलू जो उगना लग जाए उगने लग जाता है उसमें ग्रीन ग्रीन से आने आईज बन जाती हैं तो अपन आलू के चार टुकड़े करें जिसमें एक दो दो आई हो कम से कम हर टुकड़े में और उस टुकड़ों को हम बेविस्टिन से ट्रीट करें और अगर आप बेविस्टिन यूज नहीं करना चाहते हैं, तो दालचीनी से ट्रीट कर दालचीनी लगा के इसको थोड़ा सा सूखा दें और उसके बाद उनको अपन मॉइस्टमेंट लगाएंगे मतलब बोने के बाद पानी नहीं देंगे इस चीज का ध्यान रखें अपन नमी वाली ग्रोइंग मिक्सचर में लगाएंगे और उसको लगा रहने देंगे उसमें जब तक इनमें फुटान नहीं होगी तब तक हम अगर नमी बनी हुई है तो अपन पानी नहीं देंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर उग रहा है तो उगने देंगे पानी देने की जल्दी नहीं करेंगे अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सोयल अमेंडमेंट यूट्यूब वगैरह पे कई सारी कई फनी चीजें भी आती हैं अब कई बार उन उनप लगता है कि ये किस तरह से हमें बेवूफी बना रहे हैं ऐसा भी लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं ऐसी बात नहीं है जो कभी हमने पढ़ाई में नहीं पढ़ी या हमें रिसर्च में नहीं आती है पर उनके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड है जैसे टोटके वगैरह होते जैसे कहते हैं कहा जाता है ना कि इनको भी यूज करना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बेकिंग सोडा एलम मतलब फिट करी सिरका व्हाइट विनेगर वैसे एसिड होता है राख के लिए भी कई सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि राख डालनी चाहिए जमीन में या नहीं डालनी चाहिए के लिए भी कहा जाता है कि मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था फिर मैंने इसका जब लिटरेचर पढ़ा ढूंढा तो देखा कि हाँ एस्प्रिन भी कहीं फायदा करती है इसी तरह से छाछ है बटर मिल्क हनी मतलब शहद ग्लीसरीन शेल मतलब अंडे के ऊपर के छिलके बोन मिल सीनामोन मतलब दालचीनी जिप्सम ऑन प्रोम उसके बारे में जो मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठी करी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इन सब को करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिडिटी क्या होती है दो तरह के अक्सर होता है कि आपकी जो जनरल अपने यहाँ पे जो है वो एल्कलाइन लिया है और एक होता है एसिडिक सॉइल एल्कलाइन सोयल में मतलब अपनी जो पीएच जैसे आप देखेंगे ये पीएच पीएच की रेंज है 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 से तक होती है। जो होती है, सेवन वो होती जो वो न्यूट्रल इससे कम वाली जो होती है वो एसिडिक कहलाएगी इससे ज्यादा वाला एल्कलाइन कहलाएगी और ऐसा जानना देखा गया है कि हमारे जो वेजिटेबल्स और, और उनको जो मोस्ट फेवरेबल पीएच होती है एसिडिक वो टूवर्ड्स एसिडिक होती है मतलब स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कलाइन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 6.5 से 7.2 पीएच तक अपन को मेंटेन करना चाहिए चाहे कोई भी हो पर अगर अपन को लगाना है तो कुछ अमेंडमेंट्स इनको अमेंडमेंट्स कहते हैं जो कि आपके सोइल को पीएच को चेंज करते हैं जो कि आपके अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है पर कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो कि 7.2 के बाद भी सेवन और एट तक ग्रो हैं उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है जैसे कैबेज हुआ कैलरी कॉलीफ्लावर हुआ सैलरी हुआ कैरेट गाजर लेट्यूस ये सेवन टू एट पीएच में भी बहुत अच्छे चल जाते हैं पर बाकी इनको ये इनको जो सेवन पॉइंट सेवन से कम वाले जो होते हैं प्लांट्स जो प्रेफर करते हैं वो एसिड लविंग प्लांट्स कहलाते हैं अब ये मेरा ही अनुसंधान था मैं मैंने ये निकाल के देखा कि ये जो अपन जनरली जो बातें करते हैं बटर मिल्क हुआ ऑर्गेनिक विनेगर हुआ सिंथेटिक विनेगर हुआ इनमें वास्तव में कि पीएच कितनी होती है ये मैंने खुद टेस्ट करी है तो अगर छाछ है हालांकि छाछ एक दिन पुरानी दो दिन पुरानी बहुत पुरानी इनमें पीएच चेंज होती थी मैंने स्टैंडर्ड छाछ ली जो एक दिन की थी थोड़ी खट्टी थी तो उसकी पीएच थी थ्री पॉइंट वन ऑर्गेनिक विनेगर जो एप्पल साइडर विनेगर जैसे कहते हैं कि एप्पल से या किसी से विनेगर बनाया जाता है रेड विनेगर उसकी टू पॉइंट फाइव थी सिंथेटिक विनेगर जो सफेद रंग का एसिटिक एसिड का जो पांच परसेंट का जो घोल शीशियों में मिलता है उसकी टू पॉइंट सिक्स पी एच निकली थी वर्मी वाश उसकी पीएच है सेवन पॉइंट फाइव मेरे गार्डन सॉइल की जो पी एच है वह है सेवन पॉइंट एट कोकोपिट जो हम यूज करते हैं उसको मैंने आपको जैसे बताया था कि दो बार तीन बार पानी निकाल के फिर अपन को यूज करना चाहिए तो कोकोपिट का जो सॉल्यूशन का जो पीएच था वो था 7.5 और सोयल मीडियम जो कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का पीएच 7.2 सूखा हुआ गोबर काउडंग के 7.6 वर्मीवाश 7.1 एप्सम साल्ट मतलब चंदा नमक उसका 7.0 जैसा कि न्यूट्रल मैंने बताया था न्यूट्रल होता है और कॉमन साल्ट मतलब नमक उसका 7.5 पीएच होता है तो हमारे सामने हमारी जो सोइल है वो मोस्टली अल्कलाइन है टूवर्ड अल्कलाइन है या स्लाइटली अल्कलाइन है ये कैटेगरीज से उनको हमको एक कंफर्टेबल पीएच रेंज में लाना है जिससे हमारे वेजिटेबल्स या ऑर्नामेंटल फ्लावर जरूरी है उसके लिए हम क्या करेंगे गोबर की खाद वगैरह से भी जैसा कि अपन ने देखा पीएच कम होती है जैसे 7.8 है और गोबर की खाद में 7.2 है इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे ला रहे हो आप नीचे ला रहे हो उसके पीएच मीडियम की इसी तरह से सल्फर एलिमेंटल सल्फर भी होता है ये 5 से दस ग्राम पर स्क्वायर फुट सोइल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं पर ये सब करraya जाते हैं जब ओपन ये प्लांटिंग कर रहे हैं उससे पहले बाद में इनका रोल कम हो जाता है इफेक्ट नहीं देती तो जो हम बेड तैयार कर रहे हैं उसमें अपन को इस तरह से शुरू में ही इसको ग्रो करना है इसको ऐड करना है फिर एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब एलम आयरन सल्फेट जिप्सम इनको हम 25 से 30 ग्राम पर स्क्वायर फीट के रेट से ऐड कर सकते हैं व्हाइट विनेगर को हम 20 एम पर लीटर वाटर में डाल के इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं बटर मिल्क खट्टा को 50 एम पर लीटर के हिसाब से अपन ड्रेंच कर सकते हैं इसी तरह से हमें जो पानी सॉइल के बाद अब पानी आ, पानी अपन कौन सा दे रहे हैं पानी में वैसे तो सैलिनिटी एलक्निटी ई सी टी एस एस बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं पर इम्पोर्टेंट चीज जो अपन बेसिकली अपन देख सकते हैं वो है सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव की रेंज में हमें पानी हमारे पास जो अपन अपने गार्डन को दे रहे हैं वो होना चाहिए अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर एक फट, एक तरह का फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि डीएपी और एसएसपी को रिप्लेस करता है इसमें क्या करते हैं कि रॉक फॉस्फेट जो आता है उसको कंपोस्टिंग में काम में लेते हैं तो जो ग्रेड का जो रॉक फॉस्फेट आता है जो कि नेचुरल है थर्टी टू परसेंट उसमें फॉस्फोर पी टू ओ फाइव होता है उसको हम मैन्योर कंपोस्ट पिट में मिलाते हैं और ये फ्रॉम बनाते हैं तो इसमें हमें फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की प्रचुर मात्रा मिलती है और ये इसमें 10.4 परसेंट फॉस्फरस होता है इस तरह से बैग्स में मिलता है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मिलता है इस तरह से और ये ब्लैक कलर का होता है फिर हम बात करते हैं एप्सम साल्ट मतलब रॉक साल्ट या सिंधा नमक एप्सम साल्ट जो हमें दो तरह के न्यूट्रिएंट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं मैग्नीशियम और सल्फर ये देता है ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है वो क्लोरोफिल बढ़ाने के काम आते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बन भी बढ़ाते हैं क्योंकि ये उसमें एप्सम साल्ट में होते हैं तो इनको यूज करने का तरीका होगा कि अगर अपन उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दो चम्मच या ग्राम ऑफ एप्सम साल्ट लीटर पानी में घोल के महीने में एक बार अपन देंगे और फिर अगर मिट्टी में मिला रहे हैं तो आधा चम्मच मतलब करीब पंद्रह पौधे तो के आसपास थोड़ा सा अपन डाल देंगे ये जरूरी किस्में है सबसे ज्यादा आपके Solenesis, मतलब टमाटर में मिर्ची में बैगन में इनमें ज्यादा जरूरत है इसको यूज करने की एक जो भ्रांति है वो ये है कि एप्सम साल्ट जो होता है वो पीएच को रिड्यूस करता है मतलब एल्कलिन को कम करता है एसिडिक बनाता है पर ऐसा नहीं है क्योंकि एप्सम साल्ट जो है वो न्यूट्रल सेवन पीएच का है इसलिए ये आप, आपकी सॉइल सेवन पॉइंट टू है यह सेवन पॉइंट फाइव है और ये है सेवन है तो इतना ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करता है तो एक जो भ्रांति होती है कि डाई है ये मतलब ऐसा ये यूट्यूब या कई जगह ऐसा लोग दे देते हैं कि सेंधा नमक डालने से आपके पीएच कम हो जाएगी और आपके ज्यादा दे, दे देंगे एक्चुअली जो फल और फ्रूट जो दे रहे हैं वो इसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से दे रहे हैं ना कि सोइल की एसिडिटी कम करने बढ़ा रहे हैं तो इसको ड्रेंचिंग भी करते हैं पर ध्यान ये रखना है कि ये पत्तों पे नहीं गिरना चाहिए जब भी सूखा वाला फिर फिटकरी यानी एलम पाउडर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये हाईली एसिडिक होता है 4.3 पॉइंट इसमें इसकी पीएच होती है और ये सब अगर इसको हम मतलब ऐड यूज करना इसका तरीका यह है कि 10 ग्राम एलम को एक लीटर पानी में घोल के इसको सोइल में दें तो रीजन वही है कि एक तो इसमें पोटेशियम और सल्फर होता है दूसरा इसका पीएच डाउन होता है ये पीएच डाउन करता है मतलब एसिडिक मीडिया बना के फेवरेबल प्लांट के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है तो अपन इसका पानी पिला सकते हैं मैंने मैं एक बार ये कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रूट रोट हुआ इसके लिए अगर करना है तो एक कपड़े की फिटकरी कपड़े की एक बांध के गांठ जिसमें फिटकरी की डली रख के पानी अपन जहां से पानी जा रहा है वहां छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ड्रेंचिंग हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने की क्या है कि अपन को पौधों के ऊपर इसका पानी क्योंकि एसिडिक है काफी तो पानी इसका जो घोल है उसको केवल सीधा जमीन में देना है पानी में रूट्स में देना है और जब अपन इसको कर रहे हैं आपने देखा अगे जब अपन एलम को पानी में घोल दें तो पानी फट जाता है फिल्ट्रेट्स में निकल जाते हैं तो एक घंटे तक अपन को उसको रखना है बनाने के बाद फिर उसके बाद उसको यूज करना है और ये केवल इवनिंग में करना है ऐसा भी कहा जाता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो पीएच होता है वो 8.4 होता है इसलिए इसको सॉइल ट्रीटमेंट के लिए या सॉइल में ऐड नहीं करना चाहिए जहां एल्कलाइन सॉइल है ये क्योर करता है पाउडर मिल्डी को और फंगल डिजीज जैसे होती है लीफ डिजीज वगैरह ब्लाइट्स वगैरह उसके लिए ये बहुत अच्छा है इसको यूज करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल एडिबल ऑयल कोई भी हो और एक और एक एम लिक्विड सोप में मिला के क्योंकि ऑयल मिला रहे हैं तो शैम्पू तो मिलाना नहीं होगा पांच लीटर में डाल के इसका स्प्रे करेंगे तो आप लिव डिजीज और कुछ रस्ट होती है रस्ट से भी छुटकारा पा सकते हैं अच्छा कोई भी अपन स्प्रे कर रहे हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा चाहे आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो तो एक बार ही घूमना चाहिए आपका स्प्रे का बूम नोजल का बूम बार बार आगे पीछे होकर के दो तीन कवर नहीं होने चाहिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप सिंगल स्प्रे करो नहीं तो कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी प्लांट की और प्लांट को नुकसान हो जाएगा और चूंकि इसमें अपन एक चीज और कर सकते हैं थोड़ा सा इसका पीएच ज्यादा है कि पत्तों का तो एक दिन अपन पहले जैसे अपना कोई एंटीबायोटिक वगैरह कोई नहीं लगती है तो अपन टेस्ट करते हैं पहले इस तरह से अपन पौधे के कुछ पत्तों के ऊपर एक दिन करके देख ले कि नुकसान तो नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेजेस पे बहुत डिपेंड करता है इसका कि आप यंग स्टेज पे कर रहे हो या लेटर स्टेज पे कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि अगर यंग आपने जो तो सोल्यूशन बनाया उसको करके देख लो थोड़ी सी जगह में और अगर वो सही रहता है तो फिर अपन पूरे प्लांट पे इस पर करेंगे फिर आता है जिप्सम। सल्फेट होता है ये कैल्शियम और सल्फर प्रोवाइड करता है इसका पीएच न्यूट्रल होता है और एडिट ये, ये एल्कलाइन और एसिडिक सोयल दोनों में ऐड कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और सल्फर दोनों देता है जो कि किस क्रॉप जैसे कैप्सिकम हुई और टमाटर हुई इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एंड बॉटम एंड रोड जरूर आता है जो बाद में ठीक नहीं होता है तो आप जब बो रहे हैं उसी टाइम ये जिप्सम का उपयोग करें और ये सोयल को लूज भी करता है एरेशन बढ़ाता है इसको करीब नौ सौ स्क्वायर फीट में करीब नौ किलो आपको यूज करना है और उसी हिसाब से अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक चम्मच डालेंगे जैसे एक कंटेनर में अगर थैलियों में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे के नुकसान नहीं करता पर इसको ज्यादा नहीं डालना चाहिए सिरका वाइट विनेगर एक्चुअली वाइट विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड का फाइव परसेंट का सॉल्यूशन होता है जो अपने को किचन के लिए में यूज होता है पर जो तो एक्चुअल एक इसके कई यूजेज हैं जैसे वीड किलर भी है पर उसके लिए हमें ट्वेंटी परसेंट एसिटिक एसिड का घोल बनाना पड़ेगा जो और कमर्शियल जो विनेगर है ये एसिटिक एसिड है तो उसका ट्वेंटी परसेंट लेके अपन वीड किलर करते हैं पर ये सिस्टेमेटिक नहीं है मतलब एक को नहीं करेगा ये कॉन्टेक्ट में जितने भी पौधे आएंगे उन सबको किल करेगा तो ये अक्सर वहाँ यूज करा जाता है जैसे आपके दीवार में कोई छेदों में क्रैक्स में या आपके रास्ते में ईटों के पास में जहाँ पे अगर ये है तो आप ये 20 परसेंट एसिडिक का एसिडिक का घोल बनाकर इस, स्प्रे कर सकते हैं डायरेक्ट बस ध्यान अपने को ये रखना है कि अपने जो डिजायर्ड प्लांट है उसके ऊपर ये छिड़काव नहीं जाना चाहिए इसके छिड़ वाला है। से हम ये चीटिया हो रही हूँ घर में हो रही हूँ दरवाजे में हो रही हूँ या पौधों में हो रही हूँ तो अपन इसको छिड़काव कर सकते हैं इससे चीटियाँ भाग जाती हैं बदबू आती है इवन पेट्स भी जैसे घरों में कोई ऐसा होता है कि ना आपके जब पास कुत्ते हैं बिल्ली हैं और पर आपके पौधों को नुकसान पहुंचा देती है तो इसका इसको कपड़े में भिगो के आप उनके पौधों के आसपास रख देंगे तो वो भी उसको रैलिश नहीं करेंगे तो वो पौधे को आपको खराब नहीं करेंगे यह वन भी नहीं आएंगे उस जगह फिर ये बहुत अच्छा मिलीबग्स और वाइट फ्लाई के लिए बहुत अच्छी चीज है इसमें 750 ml ऑफ वाटर प्लस 250 ml ऑफ 5% विनेगर प्लस डिटर्जेंट का स्प्रे करेंगे तो मिलीबग और वाइट फ्लाई दोनों खत्म होंगे एक ट्रैप भी बनता है इसका मतलब ट्रैप का मतलब फ्रूट फ्लाई को लालच देके अपने पास उनको घोल में मरने के लिए करना तो उसमें क्या होता है ढाई सौ एम पानी लेंगे और इसमें सौ एम विनेगर जो फाइव परसेंट वाला है वो लेंगे दो चम्मच शक्कर और थोड़ा सा गुड़ डाल के किसी खुले बर्तन में जैसे कोई प्लास्टिक का आपका ग्लास ही है उसको हम एक प्लास्टिक की बोतल को काट के ऊपर से, से लटका के अपन प्लांट का लेवल है उस लेवल के ऊपर इन बोटल्स को लटका सकते हैं कंटेंट ग्लासेस को लगा सकते हैं तो ये फ्रूट फ्लाई जितनी भी हैं वो इकट्ठी के उसमें आ जाती हैं उनमें आपने कागज भिगो के आपने ऐसे निकाल दिया जैसे ये फोटो में दिख रहा है आपको तो वो इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं सोयल की एसिडिटी इंप्रूव करने के लिए चार लीटर पानी में हंड्रेड एम विनेगर डाल के ड्रेंच करेंगे महीने में एक बार और फिर स्लैक्स और स्नेल्स जो घोंगे वगैरह जो आ जाते हैं उनको भी किल करने के लिए हम डायरेक्ट विनेगर का स्प्रे करेंगे या एप्सम साल डालेंगे राख के लिए कहा जाता है कि हमें राख जमीन में मिलानी चाहिए तो जो राख की जो कंसिस्टेंसी होती है वो होती है जीरो नाइट्रोजन एक परसेंट फॉस्फोरस और तीन परसेंट पोटेशियम मतलब पोटेशियम का सोर्स है ये और कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है पर ये अल्कलाइन इन नेचर है इसलिए इसको 7 से कम या 6.5 से कम जो पीएच वाली जो सोइल है उसमें यूज करना चाहिए अपने अल्कलाइन सोइल में इसको यूज नहीं करना चाहिए मिट्टी में डालने के लिए वैसे अपन एज ए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं डस्टिंग कर सकते हैं पर इतना भी नहीं करने चाहिए कि जब बर्फ पा, अपन पानी दें या बरसात हो जाए तो सारी राख आपके कंटेनर्स में आ जाए इसलिए इसका मिनिमम यूज डस्टिंग में करना चाहिए क्योंकि इसका मैकेनिकल इफेक्ट होता है स्कॉर्चिंग इफेक्ट होता है इन कीड़ों के ऊपर और ये पर ये अपन चूंकि पत्तों के नीचे जैसे पानी का स्प्रे तो कर सकते हैं पर पत्तों के नीचे इसलिए एफिड पे इस पर असर नहीं आता है ऊपर पत्तों के ऊपर जितने कीड़े हैं वो तो फिर भी मर सकते हैं एक और कंसेप्ट है कि उसी तरह से नीम लीफ सुखा के उसका पाउडर को भी हम यूज कर सकते हैं जिस तरह से एश यूज कर रहे हैं जिस तरह से नीम लीफ करेंगे तो आपको वो एल्कलिन एल्कलाइन सोयल की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एल्कलाइन मीडियम में होता है एस्प्रिन कहा जाता है स्प्रिन जो अपने दर्द में भी आता है और हार्ट के ब्लॉकेजेस में भी काम होता है पर इसमें एक चीज होती है सेलेसिलिक एसिड जो कि रिसर्च से ये पता चली है कि एसिड है वो प्लांट में डिफेंस जो होता है इम्यूनिटी डेवलप करती है तो एस्प्रिन भी हम यूज कर सकते हैं तो ये ये फंगल बैक्टीरियल और वायरल डिजीज के अगेंस्ट काम करती है ये रूट हार्मोन में भी काम कर सकती है इसको काम करने के लिए दो स्प्रिंट की टेबलेट पांच लीटर पानी में घोल के उसको पौधों को शावर करिए तो इसमें इम्यूनिटी आएगी और ये महीने में एक दो बार ही करें ज्यादा नहीं करें इसी तरह से अगर एक चीज और देखी गई कि जो कट फ्लावर्स है या मनी प्लांट है जो अक्सर पानी में रखे जाते हैं अगर उसमें भी एक पानी एक टेबलेट अगर अपन की डाल देते हैं तो जो मनी प्लांट है उसमें वो नहीं लगती है, फंगस नहीं आती है पौधा जड़े नहीं सड़ती है पानी गंदा नहीं होता है इसी तरह से कट फ्लावर्स में रखेंगे तो कट फ्लावर्स की फ्रेशनेस बनी रहेगी बटर मिल्क मतलब छाछ छाछ को हम छिड़कते हैं पत्तों के ऊपर और जमीन में भी डालते हैं पर यंग सिडलिंग स्पेस पे नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर होती है इसलिए इसको डैम्पिंग ऑफ और प्रॉब्लम में बिल्कुल यंग सिडलिंग्स पे यूज नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि जिसमें दो-दो पत्ते आते हैं जब चार पत्ते हो जाएं उनके पांच पत्ते हो जाएं तब यंग सिडलिंग्स पे भी अपन यूज कर सकते हैं और एडल्ट प्लांट्स पे भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए छाच हालांकि छाच एक ऐसी चीज है कि इसकी कितनी पीएच होगी ये भी हम नहीं कह सकते कितने दिन पुरानी होगी इसको छाड़ इसको छिड़कने के लिए तो ये कहा ये कहा जाता है कि कम से कम पंद्रह दिन पुरानी हो ये तो सात दिन पुरानी तो होनी चाहिए जिससे जितनी ज्यादा खट्टी होगी उतने ज्यादा इसके इफेक्ट्स आएंगे क्योंकि तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी होगी तो सात से पंद्रह दिन के आसपास छात रखी हुई छात को चार लीटर पानी में एक लीटर छाछ को चार लीटर पानी में घोल के और इसका स्प्रे करेंगे और पत्तों के नीचे भी करेंगे तो इसको अपन यू वेर इज लेसावर मतलब कम खट्टी को जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो यंग सिडलिंग्स होंगे उनको उसमें हम कम खट्टी यूज करेंगे और एडल्ट प्लांट उसमें ज्यादा खट्टी यूज कर सकते हैं हनी एंड ग्लिसरीन के लिए भी कहा जाता है कि रूटिंग हार्मोन में काम आ जाता है पर इसके लिए कोई मेरे को साइंटिफिक सपोर्ट नहीं मिला बल्कि मैं जहां तक मैं सोचता हूँ जो शुगर कंटेंट्स हैं वो फंगल और सोयल बोर्न पेस्ट को ज्यादा एक्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हनी और ग्लिसरीन को रूटिंग हारमोन जैसे यूज करना चाहिए हालांकि सिनोमोन भोना सिनोमोन मतलब दालचीनी एक बहुत अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज वाला अपने पास स्पाइस है वो जो आवश्यक रूप से अपन काम में ले सकते हैं क्योंकि वो एंटी फंगल है आपके जो कटिंग आपने लगाई है या उसकी में वो फंगस नहीं आने देगा फिर एक एग शेल के लिए कहा जाता है कि अंडे के छिलकों को यूज करना चाहिए ये कैल्शियम कंटेंट इसमें ज्यादा होता है नो no डाउट पर इसको यूज करना चाहिए आपको कंपोस्ट बनाने में या जब अपन प्लांटिंग कर रहे हैं बाद में डालने में ये बहुत स्लो रिलीज होते हैं वो कम होते हैं तो इसको यूज करने के लिए कि आपके पास जो अंडे आए उनको बढ़िया से धोएं उसमें कुछ भी चीज नहीं जाने दें चिपका उसमें जो एलम वगैरह होता है वो मत जाने दें और उसको कंपोस्ट में डालें या मिक्स अच्छी तरह से धोके और पीस के और फिर इसको दिलाए रोज मिक्स में वगैरह वगैरह में बहुत अच्छा होता है टमाटर में रोज में अब फिर बोन मिल की बात आती है बोन मिल का मतलब होता है कि हड्डियों की खाद और ये जो बोन मिल है ये एनिमल बोन्स को या स्लॉटर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें बोन्स भी हो सकती है थोड़ा मीट भी हो सकता है ब्लड भी हो सकता है उसको ड्राई करके और उसको यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसमें डिपेंड करेगा आपके सोर्स पे कि क्या सोर्स आपका है ये मतलब तीन परसेंट नाइट्रोजन और पंद्रह परसेंट फॉस्फोरस से लेकर दो परसेंट नाइट्रोजन बाईस परसेंट फॉसफोरस होता है मतलब ये ये अल्टीमेटली का सबसे बड़ा सोर्स है और कैल्शियम का तो है ही पर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पी के आता है उसमें इसमें पोटेश होता नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है इसलिए इसको जैसा कि मैंने आपको कहा कि या तो ग्रोइंग मिक्सचर के टाइम में करेंगे या फिर वो कंपोस्ट में मिलाएंगे तो बोन मिल पर हंड्रेड स्क्वायर फीट में डाला जाता है सिनामोन की मैं कई देर से बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि सिनामोन जो है दालचीनी वो कैसे यूज करनी चाहिए ये बहुत सिनामोन को चीटियां भगाने के भी काम में लिया जाता है गार्डन में हो या कहीं भी बिल के आसपास आप सिनामोन का पाउडर यूज करें

होता है वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ कट पोर्शन होता है वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है इसको स्प्रे करने के लिए थोड़ा सा सिनोमिन उसको पानी में गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं ओवरनाइट रखते हैं फिर उसका स्प्रे हम फंगल ट्रीटमेंट के लिए हम प्लांट पे करते हैं ये हार्मफुल नहीं हो सकता होता इसलिए थोड़ी कम हो या ज़्यादा भी इसकी अगर कंसनट्रेशन होगी तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा फिर कुछ मिट्टियों में ये मशरूम उग जाती है जो कि पॉइजनस होती है उसको अपन उससे अपन बचना चाहते हैं तो भी उन मशरूम्स के ऊपर अगर, अगर अपन सिनामोन का पाउडर डाल देंगे तो वो मशरूम भी खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा नहीं हुएंगे जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये फंगल है रूटिंग हार्मोन नहीं है पर अगर इसको एज ए रूटिंग हार्मोन काम में लेना है तो हम उसको एस्प्रिन के साथ ऐसा बताया गया है ऐसा लिटरेचर मिला है कि थोड़ा एस्प्रिन के साथ सिनेमोन अगर पाउडर अगर अपन यूज करते हैं तो रूटिंग हार्मोन का भी ये काम करता है तो सिनेमोन और एस्प्रिन पाउडर को अगर उसमें एक से दो घंटे तक के लिए हम कटिंग्स को डिप कर देंगे तो ये अच्छा रूटिंग हारमोन भी होगा फिर इसके बाद आता है कि अपन जो कटिंग्स वगैरह जो करते हैं और जो कट पोर्शन होता है उसके ऊपर अपन सिनोमोन लगाना चाहिए जिससे कि वो कट पोर्शंस के ऊपर फंगस नहीं आए थैंक यू वेरी मच आपने जो मेरे इतना पेशेंस जब सुना और मेरा उत्साह बढ़ाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को आप लोग क्या था? आप लोग क्या क्वेश्चन है मैं लवनिया मैडम पूछ रही हैं कि वेबिनार की रिकॉर्डिंग दी जाएगी कि ये मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया है मैडम कि हम आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमेशा की तरह अभी भी देंगे क्लक्स स्लक्स के लिए मैंने आपको बताया उसका कंट्रोल मैंने बता दिया है खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि फोल्डेड लीव्स और टोमेटो वो लिफ कर्ल वाली बात वही होती है जो वायरस से होती है उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है डॉक्टर अरविंद पूछते हैं कि विल टू बी बी फ्रेश और कैन अवेलेबल इन द मार्केट मैंने आपको बताया कि फ्रेश यूज करना चाहिए और अगर आपको रखना है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो उसको सील्ड कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं कितना भी दस दिन पंद्रह दिन एक महीना तो उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी पर अगर आपने ओपन में रखा है तो काउ यूरिन की मतलब अमोनिया की कंसन उड़ जाएगी इसलिए अगर आपको को स्टोर करना है तो आप सील्ड कंटेनर में करेंगे कैन वी यूज़ बटर मिल्क एज ए पेस्टिसाइड ये मैंने आपको बता दिया कि बटर मिल्क किसे यूज करना है निधि सक्सेना जी कह रही है हाउ टू प्रोटेक्ट पीज फ्रॉम मंकी मंकी मैडम निधि सक्सेना जी मैडम मैंने तो करीब इन मंकीज से बचने के लिए मेरी तीन हजार स्क्वायर फिट की छत को पूरी छत को ऊपर शेड कर रहा है ए, ये पोल्ट्री नेट से बाकी और कोई तरीका नहीं है इसलिए जहां मंकी और अगर आते हैं तो मटर बिल्कुल मत लगाइए आपको नहीं मिलेंगे अगर आप लगा रहे हैं तो उनके लिए लगा रही है इसलिए ऊपर नेट लगाइए पतली नेट आगे मिलती है वो भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है मंकी से बचाने का तो वही तरीका है

चाहे वो सीडलिंग के लिए तैयार कर रहे हो या डायरेक्ट सोइंग के लिए कर रहे हो अगर हम उसमें अगर उसको प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं तो दो फायदे होंगे एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा दूसरा अपन को पानी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो ह्यूमिडिटी अंदर नमी बनी रहेगी इसलिए जरूरत है कि ना अपन जो तक उरे उसको प्लास्टिक शीट से ढक के रखें उससे क्या होगा कि अंदर नमी रहेगी और वो उगेंगे और आपको चिड़िया भी नहीं खाएंगे जब उगेंगे जब तो जब तक दो तीन लीफ नहीं आ जाए तब तक हम उसको ढक के रखेंगे आ, जी पूछते हैं कि पीएच क्या होता है पीएच हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होती है ये शो करती है कि आपके सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है मनोजिका जी आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन है क्योंकि आप जयपुर में रहते हैं तो इसमें अपन को अमेंडमेंट वो करने पड़ेंगे जो एसिडिक मैंने आपको बताए हैं वो इम्प्रूव करेंगे आपकी सॉइल को डॉक्टर uh, अरविंद कहते हैं पूछते हैं कि व्हाट इज द आइडियल प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल एडिंग जिप्सम एंड एप्सम साल्ट शायद मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या डोजेज होने चाहिए पर हंड्रेड स्क्वायर फिट के हिसाब से थैंक यू डॉक्टर अरविंद फॉर प्रोवाइडिंग फेवरेबल कमेंट्स थैंक्स ए लॉट अनिता बालाजी पूछती है कि फेंटा सीजन थैंक यू वेरी मच राधिका जी इज देर एनी ऑर्गेनिक क्योर फॉर द दीमक दीमक के लिए मैंने आपको मतलब टर्माइट इसके लिए मैंने आपको बताया है कि है ना क्या कहते हैं इसको नीम की खली नीम की खली मिलाइए उसके अंदर वही एक ऑर्गेनिक रीजन तो वही है एक और कार, एक और तरीका हो सकता है कि जो आपकी जमीन है या वो है उसके ऊपर गीला करके बोरी डाली जाती है तो आपकी जितनी दिमक होती है ना वो रात के टाइम इकट्ठी हो जाएगी और उसमें आप उस बोरी को बाहर झाड़ दीजिए एक और तरीका होता है दिमक को कंट्रोल करने का कि आपकी जो क्यारियां है जो जो प्लॉट है उसमें थोड़ा सा खड्डा करिए और उसमें न, है ना एक मटका रखिए या घड़ा छोटा सा कुल्हड़ जैसे कहते हैं उसमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए ऊपर की तरफ और नीचे आप उसमें गुड़ का सॉल्यूशन डाल दीजिए तो दीमक उसमें अट्रैक्ट होगी और उसमें इकट्ठी होती जाएंगी फिर जब वो थोड़ा ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो उसको बाहर फेंक दीजिए और वो पानी वापस नया शुगर सॉल्यूशन उसमें भर के फिर वापस को गाड़ दीजिए मैंगो प्लांट ब्राउन कलर लिक्विड इज कमिंग आउट ये जो है ब्राउन कलर का जो लिक्विड हो रहा है ये उसी से ही है मैडम क्या कहते हैं उसको आ, मिलीबक्स से कुछ स्टेम में से भी उजिंग होता है वो नेचुरल उज़िंग भी होता है जैसे गोंद निकलता है ना कई तनों में से ऐसे मैंगो में से भी तनों में से अगर गोंद जैसा निकल रहा है तो वो हार्मफुल नहीं है वो एक नेचुरल फिनमिना है पर मैंगो मिलीबग को बचाने के लिए एक जो एक तरीका होता है कि जो लोअर स्टेम होता है उसके ऊपर हम पेंट पेस्ट कर पेंट करते हैं किसका गुड़ का और इसका जिससे कि ना वो उस पर चिपक जाए मिले बग पेड़ के उपर, जमीन से पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे एनी प्रिवेंशन फॉर द स्किल्स मैंने आपको बताया कि अपन एसिटिक एसिड या सिरका में घोल के ऐसी जगह रख दें जैसे आपका कैबेज या कॉलीफ्लावर खराब हो जाते हैं या कटिंग हो जाते हैं तो वो बच सकते हैं और मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि नर्सरी को बचाने का सबसे आसान तरीका किसी भी से भी हो चिड़िया हो या से आप छोटी मच्छरदानियाँ बनवाइए जैसे पुराने ज़माने में बच्चों के ऊपर छोटी मच्छरदानियां रखी जाती थी ना टोकरी जैसी ऐसी आप अपने वो भी वो भी आपके छोटे बच्चे हैं नर्सरी वाले सिडलिंग उनको भी ढकने के लिए आपको वो यूज करनी चाहिए डिफरेंट प्रेजर के बीच कितना गैप होना चाहिए आ, कोई गैप नहीं होना चाहिए अगर कीड़ा आया है तो आपको देना होगा फर्टिलाइजर अपन प्लांटिंग के टाइम दे रहे हैं। पेस्टिसाइड्स अपन उगने के बाद पौधों में देना शुरू कर देंगे सात आठ लीफ आई उसके बाद आप नीम का स्प्रे शुरू कर दीजिए अपन स्प्रे फर्टिलाइजर का कर नहीं रहे हैं ये ध्यान रखिए अपन केवल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का कर रहे हैं मीनू जी कैन कैन वी आस्क एंड वी पिक you can send me on the whatsapp madam with the detail i will try to solve your problem anita uh, madam keh rahi hai ki what do to save the small plant what to do to save the small plant from its krill same problem एसिटिक एसिड नहीं उसका घोल रखिए या फिर उसको ढक दीजिए ऊपर कांटे डाल दीजिए सूखे पत्ते बिछा दीजिए ये कुछ होते हैं measures जो आपको लेने होंगे सुभाष जी कह रहे कि वन टू स्पून मीन थर्टी वन टी स्पून को अपन अपना जो टी स्पून है वो करीब अपन ग्राम या फिफ्टीन टेन एम एल की मानते हैं एक चम्मच को उसके हिसाब से अपन और ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है टी एस एफ वगैरह वो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा या थोड़ा सा दस ग्राम बारह ग्राम हो जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं होगा ये एक आसान मेजरमेंट है जिसको अपन चूंकि अपन किचन गार्डनिंग कर रहे हैं अपन कुछ मशीनें कुछ तोलने के और इसकी मशीन नहीं लेके बैठे हुए अच्छा फिर राधिका जी पूछती हैं कि हाउ टू प्रिवेंट बंदी बेंडी ऑफ दो बिग माइस ओके ये आप बिल की बात कर रही है मेरे ख्याल से कि बरोस के अंदर भी आप वो, वो बेड्स रख सकती हैं जो चूहे मारने की होती हैं इसके अलावा फिन उसका कपड़ा फिनाइल का या एसिटिक एसिड का गोल का कपड़ा उस बिल के पास या उसके किनारों के ऊपर आपके रख सकती हैं बिल के पास में या कैरियो में दो तीन जगह तो ये जो पंजेंट स्मेल होगी एसिटिक एसिड की वो उससे चूहे नहीं आएंगे आ, जी, कह हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन थैंक यू मैडम राधिका जी फिर पूछती है कि इस, हैं कि इट इज कह रही इट इज बर्ली थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट

आपके एक प्लांट के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं तो एलोवेरा और पत्थर चट्ट के मिट्टी में आप ये पाउडर डालिए हो मेरे को आशा है कि उनसे हो जाएगा थैंक यू आहुजा साहब सुबेश सुभाष राठौर जी लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज आर देयर एट फॉर्म आर एक्चुअली नॉट मॉस्किटोज तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको पहचानना है कि कौन सा कीड़ा है उसका कौन सा उपचार होगा कौन सा रेमेडी होगा तो मैंने आपको एफिड और जेसर्स के बारे में आपको बताया दीज आर दे आर नॉट मॉस्किटोज मॉस्किटोज पानी के ऊपर ब्रीडिंग करते हैं वो अलग नुकसान पहुंचाते हैं पर पौधों के ऊपर एफिड या जेसर्स होते हैं मोस्टली सीमा अग्रवाल जी कहती है कि थैंक यू वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शिप्रा जी पूछ अग्रवाल जी कह हैं कि सर आई एम ग्रोइंग टोमेटोज कैन आई पुट अ डिफरेंट फर्टिलाइजर आफ्टर डेज लाइक आई वर्मी देन कैन आई पुट सी विद पाउडर आफ्टर डेज देन एप्सन सेन एप्स डेज मैडम ये सब जो चीजें आप डाल रहे हैं बहुत अच्छी हैं पर आपको महीने में एक बार यूज करना है यू कैन पुट कोई नुकसान नहीं होता है सी विद पाउडर इज वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन पर जरूरत है क्रॉप स्टेज क्या है अब जैसे अपन ने जो वर्मी कंपोस्ट का अपन ने शुरू में दे दिया उसको उसके बाद न्यूट्रिशन आप कब देंगे जब उसमें फ्लावरिंग शुरू होगा इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग पे और इनिशिएशन ऑफ फ्रूटिंग फ्लोट्रिंग उसका आपको सप्लीमेंट की जरूरत होती है वर्मी कंपोस्ट की जगह वर्मी वाश वर्मी कंपोस्ट अपन ऐड दे, देते हैं कि जब पौधे लगाया जाता है पर अगर उसके बाद आप महसूस करते हैं कि पौधे को न्यूट्रिय की जरूरत है तो अपन वर्मी वाश देंगे वो जो डायरेक्ट जैसे अपन यूरिया दे इस तरह से होगा गायत्री मैडम थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन सुभाष जी एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच मेरा मेहनत सफल हुई ऐसा मैं सोचता हूँ मॉस्किटो मंजू उपाध्याय जी मॉस्किटोज इन गार्डन मॉस्किटो तो गार्डन में मिलेंगे मैडम गार्डन लगाएंगे तो मॉस्किटोज तो आपके पास आएंगे आपको खुद ही ध्यान रखना होगा कि आपके घर में नहीं आए और इवनिंग में वो ज्यादा होते हैं फिर इसके अलावा मैंने आपको जो स्प्रेस बताए कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे लेमन ग्रास वगैरह है गेंदा है इस तरह के जो पंजेंसी वाले प्लांट है वो मॉस्किटोज को रिपेयर करते हैं तो आप जगह जगह आप अगर अजवाइन पत्ता वाला पौधा होता है और लेमन ग्रास है वो अगर लगाएंगे तो मॉस्किटोज कम होंगे गायत्री मैडम फाइन डिफिकल्टी टू रिकोगनाइज दैडम यस वेरी गुड क्वेश्चन पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अब पुराने जमाने में तो इंसेक्ट को करने के लिए पहचानने के लिए हम एक कॉनवेक्स लेंस लिया करते थे आजकल कर सबके जेब में कॉनवेक्स लेंस है अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करिए और उसको एनलार्ज करके देखिए और तो आप पहचान जाएंगे कि ये छह पैर वाला है या आठ पैर वाला है और विंग वाला है या बिना विंग वाला है तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज होती है ऐप है गूगल लेंस का गूगल लेंस एक ऐप है उससे हम उसको अपन डाउनलोड करेंगे और उसमें अगर उस, उस इंसेक्ट को देखेंगे तो अपन वो आपको आइडेंटिफाई करेगा इंसेक्ट को इसके अलावा अगर आप कोई प्लांट को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसको भी अगर आप हम फोकस करेंगे गूगल लेंस के ऐप के साथ उस कैमरे पे तो वो प्लांट भी आइडेंटिफाई उसके नियर या कई तरह के बता देगा और उसकी इंफॉर्मेशन भी सारी देगा एस्प्रिन और में कोई मतलब अंतर नहीं है गजेंद्र जी थैंक यू नूतन मैडम फॉर एप्रिसिएशन थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू केमन कैन वी स्प्रे लेमन ग्रास ट्री अहोदा साहब आप तो मोरिंगो वाले हैं <laughs> तो आहुजा साहब कोई भी पौधा मना नहीं करेगा आपको आपके कुछ भी छिड़केंगे नो no डाउट लेमन ग्रास टी जो है वो रिप्लेंट का काम करेगी फायदा भी करेगी थोड़ा एसिडिक भी होगा इट इज गुड नहीं गूगल लेंस तो इसमें आपको मिल जाएगा मीनू जी गूगल लेंस अपने प्ले उसका जो है ना प्ले मोबाइल वाला गूगल प्ले उस, उसपे आप देखेंगे तो मिलेगा बड़ा अच्छा है अगर जैसे मैंने भी कोई प्लांट की फोटो डाली है उसको भी आप गैलरी में सेव करके अगर आप गूगल लेंस के ऊपर ओपन उप, उप, करेंगी तो वो आपको वो भी आइडेंटिफाई कर देगा गूगल लेंस इज वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ऑलमोस्ट वेरी एक्यूरेट एक्यूरेट प्लान एप थैंक यू यूंदर मैडम सो, आई टू आवर्स आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत में से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा कोई ना कोई चीज तो हमेशा मिलती है एक और चैट आया है देखता हूँ क्या है गुड बाय गुड इवनिंग एवरीबडी थैंक यू वेरी मच इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए धन्यवाद थैंक यू